नमस्कार आदाब श्री अकाल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी साथियों का 21 अप्रैल 2021 दैनिक समसामी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिर चाहे आप यूपीएससी एस बैंकिंग रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यदि वहां पर करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है तो आपका स्वागत है आइए साथियों जानते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए आज के इस सेशन में आइए साथियों शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज बनी है आप लोगों के लिए इसराइल ने हाल ही में ग्रीस के साथ ग्रीस बोले तो यूनान के साथ में वन पॉइंट सिक्स फाइव बिलियन डॉलर की एक डील साइन की है आपको पता चलेगा कि यह डील कितनी ज्यादा दुनिया में टेंशन क्रिएट कर सकती है चर्चा करेंगे बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है इसके साथ साथ ही दूसरा सवाल बना है हाल ही के अंदर क्यूबा के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जिनका नाम था राहुल कास्त्रो कंफ्यूज मत करिएगा सरनेम सेम है फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई राहुल कास्त्रो ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कह दिया है कि भैया आप बहुत बूढ़े हो गए अब हमारी सत्ता कोई और स्वीकारे टाइप से तो ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं क्लियर नंबर नेक्स्ट है कैरेबियन ज्वालामुखी से हाल ही में एक आ, सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस का रिलीज हुआ है सोचिए देखिएगा हपन से कम से कम पांच सात हजार किलोमीटर दूर की बात है लेकिन उसकी वजह से भारत में हो सकती है अम्लीय वर्षा चर्चा करेंगे अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है अम्लीय वर्षा के पीछे कैसे कैरेबियन ज्वालामुखी पर फटा हुआ आइलैंड जिम्मेदार होगा आज के सेशन में आपके साथ चर्चा की जाएगी वर्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आ चुकी है और इसको निकालने के लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अल्टीमेट रिपोर्ट होती है ये जो हमेशा बताती है कि देश में पत्रकारिता के क्या हाल हैं इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत को एक स्थान पर रखा है जो लास्ट टाइम था चर्चा करेंगे यह रिपोर्ट अच्छी है बुरी है और क्या क्या पॉइंट इसने बताए हैं? आज आपको यह जानना बहुत जरूरी होगा इसके साथ साथ ही Flipkart, जिसे आप ई e कॉमर्स कंपनी के नाम से जानते हैं इसने हाल ही में चालीस मिलियन डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है एक और कंपनी का जिसका नाम है क्लियर ट्रिप ये एक कंपनी है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जानी जाती है ठीक इसी प्रकार से हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसका जिसको रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली कंपनी का नाम नॉर्टन सिक्योरिटी था नॉर्टन आपके लैपटॉप के अंदर भी आपने देखा हो तो एंटीवायरस बेचती है अगर आपने देखा हो तो इसने नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट रिपोर्ट जारी की है और उसमें यह कहा है कि इस गत एक साल में भारत के 59 नाइन परसेंट उनसठ प्रतिशत आबादी साइबर सिक्योरिटी के कारण से परेशान हुई है यानी कि उसके साथ कोई ना कोई साइबर क्राइम हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट न्यूज बनी है हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड प्रारंभ कर दिया है हालांकि घोषणा फरवरी में हुई थी एक अप्रैल से यह लागू होनी है आज हम चर्चा करेंगे इस योजना के तहत कितने करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाने किस किस को मिलेगा क्या आप भी सरकार से धन ले सकते हैं चर्चा करेंगे आज के सेशन में इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों डीआरडीओ ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिए पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली यानी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया है ये क्यों कहा जा रहा है कि कोरोना पेशेंट्स के लिए भी काम आ सकेगा चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एक बहुत छोटी सी डिवाइस है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लगी रहेगी और इसका उपयोग जो है वो हाइपोक्सिमिया के लिए किया जाएगा चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों आपके सामने नेक्स्ट न्यूज शेयर की जा रही है अरे भैया आगे भाग गए हाँ भाई LIC ने ई पेमेंट कंपनी पेटीएम के साथ समझौता किया है मतलब अब यह बात है कि आपको LIC के लिए अगर पेमेंट करना है तो आप पेटीएम से भी कर सकते हैं एल आई सी पैसा लेती लेती ज्यादा है, है ना नंबर नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है पुगलिया पुगलिया को हाल ही में विदेशी भाषा के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है तो हर खबर जबरदस्त है सारी खबरों को डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है सेशन की शुरुआत करते हैं लेकिन हमेशा की तरह एक जबरदस्त बात शेयर करनी है आज का दिन लकी वेडनेसडे है और लकी वेडनेसडे क्यों है क्योंकि अन अकेडमी लाया है आज ही के दिन के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर और उसमें यह है कि यदि आप आज अन अकेडमी पर एस में सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो यहां पर एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ दो महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिलता है और अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो इसमें चार महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलता है यानी दो साल के सब्सक्रिप्शन के साथ चार महीने का एक्सटेंडेड और एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ दो महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी पर ऑफर किया जा रहा है आज के दिन तो जो भी विद्यार्थी अन अकेडमी पर आज के दिन इस सब्सक्रिप्शन ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं आज ही जाएं अन अकेडमी पर और मुझसे स्टैटिक जीके के के बैच भी पढ़ ले क्योंकि वहां पर मैंने पढ़ा दिया है जोग्राफी आने वाला है इंडियन पॉलिटी और आप लोगों के लिए ही इंडियन पॉलिटी को डे वन से शुरू करेंगे बहुत सारे बैचेस की शुरुआत एक ही तारीख से होगी और वो मैंने आप लोगों को बता रखी है तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए सेशन को और जिन भी विद्यार्थियों को एसएससी के तमाम एग्जाम स्टेट पीसीएस जहां पर भी स्टेटिक जीके जैसी चीजें आती हो उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद बैच होगा आइए इसके साथ साथ ही कॉम्बेट के बारे में तो क्या ही बताना अब नॉलेज का एग्जाम तो आपको पता ही है हर रविवार को आपके लिए आयोजित किया जाता है सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग सेशन जल्दी से शेयर कर दीजिए मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं मोटिवेशन लेते लेते सेशन शेयर कर दो देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है यू ही नहीं मिलती राहों को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है क्या बात है पूछा चिड़िया ने कैसे बना आशियाना बोली ही भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है साथियों ये बहुत ही फेमस पंक्ति है बहुत ही फेमस पंक्ति है और बचपन में अगर आपको याद हो तो अपन लोग ना एक कहानी पढ़ा करते थे अगर आपको याद हो कौन सी कहानी पढ़ा करते थे अगर यदि याद हो आपको तो अपन एक कहानी पढ़ते थे और उस कहानी में होता था कि क्रो वाली कहानी याद है क्रो, एक प्यासा था उसको प्यास लगी तो उसने क्या किया एक पर्टिकुलर मटके के अंदर कंकर ला ला के डाल दिए और पानी का लेवल जब चढ़ा तो उसने पी लिया साथियों सफलता है ना बहुत सारे विद्यार्थियों को आज एक बहुत बड़ी बात सीख लीजिए बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हम जब पेपर देने गए थे तो एक नंबर से चूक गए थे अदरवाइज हमारा सिलेक्शन हो गया होता बहुत सारे मेरी क्लास में ऐसे स्टूडेंट होंगे और आप भी उनमें से होंगे जो इस समय कमेंट कर रहे हैं तो जरूर बताना कि हां सर आप सही कह रहे हो होता क्या है ना कि हम लोग जब भी एग्जाम में जाते हैं तो रिजल्ट जब आते हैं तो देखते हैं यार मैं एक नंबर से रह गया यार मैं दो नंबर से रह गया बाउंड्री लाइन पे ही था है ना ये जो बात आती है ना आपकी एक नंबर से दो नंबर से और फिर अपन लक को कोसते हैं वास्तविकता में पता है साथियों हम जब पेपर देने जाते हैं उस समय हम पूरी तरह से ध्यान पेपर देने में ही लगाते हैं ऐसा नहीं होता कि पेपर देते देते हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं कि वीडियो गेम खेल रहे हैं ऐसा तो नहीं होता हम पूरी तरह से अपने संपूर्ण दिमाग का उपयोग करने के बावजूद उस पेपर में एक नंबर से रह गए या दो नंबर से रह गए इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह नहीं है कि किस्मत खराब है इसका अर्थ यह है कि आपके रिवीजन में कहीं कोई त्रुटि थी आप जिस एक सवाल के लिए माथा पकड़ के बैठे थे ना कि यार ये गलत लगा दिया वो गलत आपने जानबूझकर नहीं लगाया आपको आता ही नहीं था आप कंफ्यूज थे उसे लेकर कंफ्यूज क्यों थे क्योंकि आपका रिवीजन अधूरा था और रिवीजन अधूरा के लिए क्या था मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता बोले सर इसी चैप्टर को दोबारा पढ़ जाता नहीं नहीं ये तो पता ही नहीं होता कि इसी चैप्टर से सवाल आएगा वास्तविकता में क्या है साथियों कि आपकी पढ़ाई परफेक्शन तक जब तक नहीं पहुंचती हमेशा हमें लगता है कि हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया जबकि इसका बिल्कुल उलट मामला है जो लोग मेहनत करते हैं उनकी किस्मत भी उनके साथ ही चलती है उन्हें लगता है कि यार पता नहीं कौन सा नॉलेज काम आ गया वास्तविकता में उनकी की हुई अथा मेहनत है जो उनकी सहायता करती है, है ना तो इसी नोट के साथ दिमाग में यह बिठा लीजिए कि पढ़ाई जब भी आप करेंगे तो पढ़ाई करते समय रिविजन का एक्सट्रीम टच करना है एक चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपन रोजाना सुबह 10 बजे एक टेस्ट लेते हैं और मैंने इसीलिए वो टेस्ट शुरू भी किया है एक टेस्ट है जो करंट अफेयर का टेस्ट होता है मैं आपको दिन भर में भर भर के नॉलेज देता हूं लेकिन सात दिन बाद का भी जब टेस्ट लेता हूं ना तो उसमें से कोई भी बच्चा 7% सवाल को सही करने की स्थिति में नहीं होता होते हैं कुछ एक टॉपर होते हैं चार पांच टॉपर हटा दो लेकिन पांच दो तीन पांच हजार बच्चों में से अगर तीन चार बच्चे ही निकल के आते हैं तो ये ठीक बात नहीं है रीजन हम भूल चुके नॉलेज को हम भूल जाते हैं इसके लिए सबसे बड़ा विकल्प क्या है हम प्रॉपर रिवाइज करें रिवाइज करने के लिए क्या हो हम कम पढ़ें लेकिन ज्यादा बार रिवाइज करें सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यही है आप तमाम जगह से नॉलेज लेने से अच्छा है एक ही जगह के नॉलेज को पांच बार दस बार रिवाइज करिए जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से परफॉर्म करेंगे आप नॉलेज के पीछे मत भागिए वो है ना सफलता के पीछे मत भागिए नॉलेज के पीछे भागिए अपने आप सफलता आएगी मैं कुछ और इसमें ऐड कर रहा हूं नॉलेज के पीछे मत भागिए रिविजन के पीछे भागिए जो है ना उसको जितना हो सके मग्गा मारिए आप 100 प्रतिशत नॉलेज की अपेक्षा अगर 70 परसेंट भी नॉलेज को सत प्रतिशत याद करके चले गए तो आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है सिलेक्शन की आगे बात समझ में तो चलिए इसी नोट के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे तमाम साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भैया सभी लोग अपने आप को कोरोना में सुरक्षित रखें ये मेरी आप सबसे गुजारिश है मेरे साथ में है साहब अनुराधा विष्णु मोहित अनिकेत शुभम दर्शन मनीष सनी उर्जित पूजा निरंजन संजय मिताली अनुराधा सिया दिलिप प्रोहित सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग आओ साथियों पढ़ना शुरू करते हैं बहुत सारी अल्टीमेट अल्टीमेट बातें हैं दुनियादारी की बातें हैं और साथियों दुनियादारी से याद आया मुझे एक सजेशन चाहिए आप लोगों से और हो सके तो इस क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स में दे देना और या फिर बीच बीच में दे दोगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी अपनी राय जरूर दे देना एक्चुअली क्या होता है कि अपना जो सेशन है ना इस सेशन के अंदर एक चीज जो मैंने हाल ही में नोटिस की है वो यह है कि अपने दो सवाल डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर होते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन पर ऑन एन एवरेज मैं 30 से लेकर 40 मिनट तक क्वेश्चन की डिटेलिंग देता हूं मैंने खुद ने अपने नॉलेज को पूरी तरह से चेक कर लिया है दो सवालों को कम से कम चालीस मिनट मेरे द्वारा लगाए जाते ही है तीस से चालीस मिनट लगते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध क्योंकि वो जीरो से शुरू होकर बताने पड़ते हैं ऐसी स्थिति में में मेरा एक दिमाग राय चल रही है क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं हैं यानी कि है, है विद्यार्थी हैं तो मैं ये सोच रहा था आप उस पर अपनी राय दीजिएगा कि मेरा आईआर वाला जो सेक्शन है आईआर बोले तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसमें हम विदेशी वाली चीज पढ़ाते हैं

एसएससी <SSC> वालों को लगता है कि यार मेरे थोड़ी ना पूछा जाएगा फिदेल कास्त्रो मेरे ना मत दीजिएगा मैं दो सेशन दो सेशन में बांट दू इसे आई का सेशन अलग और इंडिया वाला सेशन अलग तो इससे होगा ये कि यूपीएससी वाले स्टेट पीसीएस वाले तो दोनों चीजों को देखेंगे और जो एसएससी वाले हैं या फिर अन्य एग्जाम वाले जो बच्चे हैं वो केवल एक ही सेशन देखेंगे तो इस चीज पर विचार करिएगा और बता करके फिर मुझे बताइएगा कैसा है ये आइडिया अपनी राय दे दीजिएगा अगर आप इस पर हाँ करते हैं इस पर वोटिंग भी कर लेंगे अपन मैं आपके साथ में 2.0 पर एक वोटिंग शेयर भी कर दूंगा उस पर भी आप मुझे बता दीजिएगा ठीक है चलिए अब फिलहाल के लिए पढ़ना शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर आइए साथियों एक जबरदस्त न्यूज क्या निकल के आई जरा उस पर विचार करिए और वो क्या है पढ़ाऊंगा दोनों चीजें मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूं बस दोनों के दो अलग सेशन ताकि जिसको काम का नहीं है वो अपना एक सेशन देखे और काम चला ले अपना ताकि उसका समय बच सके नो no और यस में उलझ गई है पूरी क्लास हम चर्चा इसके बारे में आगे कर लेंगे ठीक है ना चलिए फिलहाल के लिए यहां पर देखते हैं क्या क्या न्यूज है साथियों इसराइल जिसके बारे में यह कह सकता है इतु सा देश है इतु सा देश नाइनटी सिक्स जिसकी पॉपुलेशन है वो मदद करने चला है दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक कहते हैं जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई हो सभ्यताओं का देश जिसको कहते हैं सिखाने वाला देश जिससे कहते हैं संस्कृति को सिखाने वाला देश उसका नाम है यूनान जिसमें जगह थी स्थित एथेंस एथेंस जहां के आधार पर हम लोग ओलंपिक्स की बात करते हैं उस देश को ट्रेनिंग देने जा रहा है दूसरा देश जिसका नाम क्या है इसराइल और ऐसे ही नहीं इसको लगभग डेढ़ बिलियन डॉलर के अंदर लगभग पंद्रह हजार करोड़ के अंदर पंद्रह हजार डॉलर के अंदर पंद्रह हाँ, ना इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों यार बिलियन डॉलर के आसपास की डील है उसको लगा लेना मैं फिर नंबर्स में गड़बड़ कर जाऊंगा इतने रुपये बहुत बड़ा रुपया होता है बस यूं समझ के चलो आप इतने डॉलर्स के अंदर यह ट्रेनिंग देगा किसको ट्रेनिंग देगा ग्रीस को कौन देगा इज़राइल देगा तो आइए जरा चर्चा करते हैं आज के इस सवाल में अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों ग्रीस यानी कि यूनान इसको एक बहुत बड़े रक्षा सौदे में बदलने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज क्यों हो जाती है क्योंकि इन, इसने इसराइल ने और ग्रीस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं सवाल बहुत गंभीर और गहरा सवाल है क्योंकि ये कोई मजाक बात नहीं है अगर होती तो मैं इसको नंबर वन नहीं लाता ये क्यों बहुत बड़ी बात है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है यहां की भू राजनीतिक घटनाएं है जियो पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स क्या है आइए मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों यहां के ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स आपको दिख ही रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू वापस आ गए हैं तो मेरे प्यारे साथियों इन्होंने एक डिफेंस डील पर साइन किया और ये डिफेंस डील है 1.65 बिलियन डॉलर की कितने की है 1.65 बिलियन डॉलर की जिसमें इजराइल ने और साथ में कौन है ग्रीस इन दोनों ने मिलकर समझौता किया क्या होगा इस डिफेंस डील में उसको तो मैं बाद में बताऊंगा लेकिन फिलहाल के लिए जो बात आपको समझनी चाहिए वो समझिए कि ये दोनों देश नक्शे में कहां पर स्थित हैं एक बार के लिए आपके सामने लगे हुए वर्ल्ड मैप को भी देख लेना यहां पर भी मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखा रहा हूं आपको यदि याद आ जाए तो आप मुझे बताइएगा कि साइप्रस नामक जगह को लेकर के किन दो देशों में लड़ाई होती है एक देश का नाम ग्रीस है दूसरे का नाम आप बता दो तब तक मैं आपको मैप दिखा देता हूं मैंने आपसे कहा साइप्रस को लेकर किन दो देशों में लड़ाई होती है एक का नाम ग्रीस है दूसरे का नाम आप बता दो बाकी मैं इस मैप को समझा रहा हूं देखते हैं साथियों इस महासागर को जो हमें यहां दिख रहा है इसे मेडिटरेनियन सी कहते हैं भूमध्य सागर कहते हैं सबको पता है मेरे प्यारे साथियों ये जो मेडिटरेनियन सी यहां पर उपस्थित है इस मेडिटरेनियन सी के नॉर्थ में अगर चलें अच्छा हम लोगों को तो यह बहुत अच्छे से पता है कोई भी ओशियन हो उसके नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट चार दिशाएं मैप को पढ़ने की हैं हाँ जी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके द्वारा आंसर भी दिया जा चुका है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर मैं भूमध्य सागर के नॉर्थ की तरफ चलूं बिल्कुल सही जवाब मनीष अनुराधा राहुल प्रफुल केशव शुभम बिल्कुल सही क्योंकि हम लोगों ने अधिकांश ने पढ़ा हुआ है और उसका नाम है टर्की कौन सा देश है टर्की एक बहुत ही अल्टीमेट चीज पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको जिसके बारे में मैंने रंगीन यहां पर कुछ नहीं किया हुआ है सारी चीजें पढ़ाऊंगा ध्यान से सुनना यही है जियो यही है अंतरराष्ट्रीय संबंध इसको समझ जाओगे तो गेम हो जाएगा मेजर गेम हो जाएगा भूमध्य सागर सबको याद आ गया भूमध्य सागर के सामने विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता वाली यानी कि जिसको कहते हैं ना कि जेंटल कंट्री कहते हैं कि दुनिया को अपन जो सब कहते हैं ना रोमन एम्पायर और ये जितनी भी बातें करते हैं सभ्यताओं का सबसे पुराना जो संगठन जिसको कहा जाता है ना रोमन साम्राज्य इसी ग्रेस की वजह से बना था आ गई बात समझ में यानी ये वही वो जगह है जहां पर सभ्यताओं का यूनान जिसे आप कहते थे पुराना यूनान वो ये बहुत बड़ी चीज है ये ऑटोमन एम्पायर के साथ इसी की लड़ाइयां चला करती थी अब ध्यान से सुनिए। इस ग्रीस को यहां बैठा एक छोटा सा देश ये रहा जिसका नाम है इसराइल इतना इजराइल तो याद है इसराइल कहां खुलता है भूमध्य सागर में ये इसे ट्रेनिंग देगा क्या देगा ट्रेनिंग देगा उसके लिए पैसे लेगा कितने के पैसे लेगा 1.65 डॉलर किस चीज को ट्रेनिंग देगा आपको मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों जरा इस चीज को आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स मेरे प्यारे साथियों का नाम है किसकी फोर्स का नाम है ग्रीस की फोर्स का नाम है ग्रीस बोले तो यूनान की एयर फोर्स का नाम है उसको ट्रेनिंग कौन देगा उसको ट्रेनिंग देगा साथियों एल्बिट सिस्टम्स एल्बिट सिस्टम्स नामक एक कंपनी है यह किसकी कंपनी है इसराइल की तो यह इसराइल की जो कंपनी है यह कंपनी एल्बिट सिस्टम हेलेनिक एयर फ्रांस जो है फोर्स जो है इसको ट्रेनिंग देगी अच्छा अब मैं आपको थोड़ा जूम करके पढ़ाना चाहूंगा और आप अगर इसको जूम करके समझ गए तो आप मेरी बात शायद अच्छे से पढ़ पाए क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद इतना बिलीव आपको ना हो थोड़ा सा मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूं अरे भैया हो जाओ बड़े हाँ देखो भाई जरा इसको पढ़ने का कोशिश करना मैं आप बोलता जा रहा हूं आपको भी शायद यह चीज दिख जाए हेलेनिक एयर फोर्स इज द एयर फोर्स ऑफ ग्रीस एंड इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स इन नाटो एंड वर्ल्ड यानी कि ये वो एयरफोर्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स में से एक है नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उनकी सबसे बड़ी फोर्स है एयरफोर्स की बात कर रहे हैं वायुसेना की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरफोर्स कंसीडर की जाती है सोच के देखिए उसका नाम क्या है हेलेनिक एयर फोर्स ये नहीं है कि टॉप पर यही है लेकिन टॉपेस्ट में यानी टॉप फाइव में ये कंसीडर की जाती है इतनी बड़ी एयर फोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए इजराइल ने पैसे और लिए हैं सब पैसे और लिए का मतलब समझ रहे हो इजराइल इस काम के लिए 1.65 बिलियन डॉलर लेने वाला है अगले 20 22 से लेकर 23 साल तक ट्रेनिंग देगा इनको युद्ध कैसे करना है अब आपके दिमाग में सवाल तो हजार बन चुके हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है जरा इसके बारे में कोई बात बताइए तो मेरे प्यारे साथियों जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा और वो क्या है साथियों ये रहा ग्रीस और इस ग्रीस के बाद में यहां रहा इस ग्रीस और इजराइल को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर बीच में एक देश स्थित है जिसका नाम है साइप्रस कुछ याद हो आपको तो मैंने एक बार आप लोगों को यह साइप्रस नामक जगह भी बताई थी ये देखिए साथियों साइप्रस नामक जगह अगर याद हो आपको है ना तो ये साइप्रस नामक जगह के मैप को मैं एक बार के लिए ये इसको थोड़ा साइड में करके बताता हूं आप लोगों को साथियों ये साइप्रस नामक जगह वो है जिसे लेकर के विवाद मचा हुआ है अरे यार तो ये ये तो टेक्नोलॉजी जो है ना इसको देखो अभी फिर से मैं दिखाता हूं इस बात को क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं आप इसे नोटिस करिए साइप्रस शायद आपको दिखाई दे जाए ये साइप्रस विवाद की जड़ है किस किसके बीच विवाद की जड़ है साइप्रस विवाद के बीच की जड़ है टर्की के बीच में और दूसरा किसके बीच में ग्रीस के बीच में तो अब देखो इन्होंने सेटिंग क्या करी है सेटिंग ये करी है कि इसराइल साइप्रस के माध्यम से ग्रीस को ट्रेनिंग देगा समझदार को इशारा इशारा काफी है और वो क्या है इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों साइप्रस के दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद ये व्हाइट वाला हिस्सा भी आपको दिख रहा होगा ये तो है टर्की के अधीन मैंने पूरी साइप्रस की कहानी सुनाई हुई है आपको और दूसरा जो ये डार्क ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये है ग्रीस के अधीन यानी कि इस आधे हिस्से पर तो ग्रीस अपना हिस्सा बताता है और आधे हिस्से पर टर्की अपना हिस्सा बताता है कुछ याद आ रहा है अब जियो क्या सेटिंग की गई है सेटिंग ये की गई है कि इसराइल जो है वो साइप्रस के माध्यम से ग्रीस को संभालेगा यानी कि क्या हो रहा है हो ये रहा है कि ग्रीस साइप्रस और इजराइल एक लाइन से एक जैसे हो जाएंगे हा भाई मुझे सर इस समझ नहीं आ रहा है मनीष शुभम के अलावा कोई क्लास नहीं देखता लोधी विपिन राजपूत ये बालक कहीं से उड़ करके आ गया है हाँ मौनी भारती देख रहा हूं बेटा मैं कमेंट देख रहा हूं हाँ कोई बात नहीं है ना बेटा कोई बात नहीं ये ये जो बच्चा आया हुआ है थोड़ा सुबह सुबह फ्रस्ट्रेशन में है रात को चटिया रहा होगा किसी ने इसका काट दिया मामला तो ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट है कोई बात नहीं ऐसा होता है मॉर्निंग में जो सुबह सुबह गुस्सा निकाल देना समझो वो बेचारा रात भर सोया नहीं है बहुत ही डेस्पिरेशन के साथ जगह है ऐसे बच्चों को माफ करके चला करो पढ़ाई पर फोकस करो अपन इंटरनेशनल हो रखे हैं तुम कमेंट बॉक्स में घूम रहे हो इधर आओ देखो तो मुद्दा क्या निकल के आया कि यहां पर अब एक ऐसा पोलर अलायंस बनने जा रहा है जिसमें तुर्की को बैलेंस करने के लिए इसराइल ने ग्रीस का समर्थन कर दिया है अब आपको मैं एक बात बताऊं जबरदस्त वाली साथियों एक ऐसा संगठन जिसे आप नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अमेरिका के नेतृत्व में उसको किया जाता है नाटो के ये दोनों सदस्य हैं कौन कौन टर्की और ग्रीस और दोनों ही इस समुद्र को लेकर लड़ाई करते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो ये वाला जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है जो कि टर्की और ग्रीस के बीच में है इस समुद्र का नाम क्या है इस समुद्र के अंदर इतने सारे ये जो धब्बे धब्बे से पड़े हुए हैं ना ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स को लेकर के अक्सर इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी सुनाई है इस समुद्र का नाम बताइए तब तक मैं आपको थोड़े ऊपर वाले समुद्रों के नाम बता देता हूं याद करिए इस समुद्र का नाम था साथियों ब्लैक सी यदि याद आ रहा हो तो आ गया याद अच्छा ब्लैक सी के ऊपर की तरफ भी एक सी है सी ऑफ अजोब सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है कर्च स्ट्रेट नाम है ऐसे ही यहां पर अगर आप देखें तो यह कुस्तुन तानिया वाला रास्ता है यहां पर बीच में यहां पर, पर पानी भरा हुआ है इस पानी का नाम क्या है इस पानी का नाम है सी ऑफ मरमरा बिल्कुल सही जवाब दिया एजियन सी मेरे प्यारे साथियों इस समुद्र का नाम क्या है एजियन सी नाम है याद है अपन ने वर्ल्ड मैपिंग जब पढ़ी थी तब ये सब बातें याद करी थी बिल्कुल सही दे रहे हैं निरंजन दीपक श्रेया रामजी मंडी मुकेश दिलीप बिल्कुल सही है बेटा इस समुद्र का नाम क्या हुआ एजियन सी एक बार थोड़ा समुद्र रिकॉल कर लेते हैं ये हो गया ब्लैक सी ब्लैक सी के नीचे कौन सा सी हो गया सी ऑफ मरमरा क्या नाम हो गया सी ऑफ मरमरा अगर याद आ रहा हो तो आ गया याद सी ऑफ मरमरा से नीचे कौन सा है एजियन सी एजियन सी के बाद में यहां पर कौन सा सी है मेडिटरेनियन सी और इस एजियन सी के बगल में इस तरफ कौन सा सी है ग्रीस के दूसरी तरफ कौन सा सी है इस वाले पॉइंट का आंसर दे दो फटाफट तो यह वाला पूरा की पूरा की क्षेत्र आपको अच्छे से जोग्राफिकली समझ में आ गया कि इसराइल साइप्रस के साथ में मिलकर के ये कार्य करने वाला है दोनों की दोनों नाटो सदस्य हैं आपको पता है टर्की ने हाल ही में एक गुस्ताखी करी क्या गुस्ताखी करी टर्की ने हाल ही में रशिया यानी यूएसएसआर से मेरे प्यारे साथियों हाल ही में इसने यूएसएसआर से एक काम कर लिया वो क्या इसने यहां पर एस एस400 सिस्टम परचेज करने की बात कर ली वो जो कि एंटी डिफेंस सैटेलाइट सिस्टम है तुर्की जो कि होने को अमेरिका का मित्र हुआ करता था कभी आजकल वो पाला बदल करके कहां चला गया रशिया की गोदी में बैठ गया ऐसी स्थिति में इन तीनों देश ने मिलकर के जो अभ्यास किया वो अभ्यास बड़ा खतरनाक था उन्होंने एस300 सिस्टम का डेमो बनाया और डेमो बना करके उसको कैसे तोड़ेंगे इसका तो युद्ध अभ्यास किया इन्होंने आयोनियन सी बहुत ही बढ़िया देखिए ये होता है अच्छी पढ़ाई का मजा जिसको आपने अभी किया वो है आइए एक बार सारे साथियों ने सारे सीज को बहुत अच्छे से बता दिया है मैं एक बार एक पेज पर इनको जल्दी से आपको अभ्यास करा देता हूं बिल्कुल याद हो गया आप लोगों को बहुत बढ़िया शानदार साथियों हमने क्या पढ़ा हमने इस प्रकार से एक सी पढ़ा जिसका नाम था ब्लैक सी ब्लैक सी ये रहा ब्लैक सी और ब्लैक सी के ऊपर की तरफ यहां एक छोटू सा समुद्र और पढ़ा इस छोटू से समुद्र का नाम क्या था सी ऑफ अजोब क्या नाम था बेटा सी ऑफ अजोब अच्छा सी ऑफ अजोब के बीच में यहां जल संधि थी जल संधि सारी लास्ट में लिख दूंगा यहां पर इनके बीच में एक छोटू सा समुद्र और था जिसका नाम था सी ऑफ मरमरा क्या नाम था सी ऑफ मरमरा कहते हैं ना मरमरा जाएगा भाई मेरे हाथ से सी ऑफ मरमरा इसके बाद में फिर यहां पर एक समुद्र था इसका नाम अभी हाल हमने पढ़ा इसका नाम पढ़ा हमने एजियन सी क्या नाम पढ़ा एजियन सी ठीक है बेटा अच्छा इसके बाद में यहां पर हमने देखा ग्रीस को अभी मैं सारी बातें बताऊंगा वहां पर आयोनियन सी हमने देखा लेकिन एक बार के लिए यहां पर सारी स्ट्रेट के नाम पढ़ लेते हैं इस स्ट्रेट का नाम था कर्च स्ट्रेट क्या नाम था कर्च स्ट्रेट कुछ याद आ गया कर्च स्ट्रेट के बाद आई ब्लैक सी ब्लैक सी के बाद में यहां पर आया बॉस फोरस स्ट्रेट क्या नाम आया बॉस फोरस स्ट्रेट ये नंबर दो पर आ गया ठीक है बेटा अच्छा इसके बाद में तीसरा यहां पर आया जिसका नाम है डार डे नैलस स्ट्रेट डार डे नैलस स्ट्रेट ठीक है ना ये जल संधियों के नाम है बेटा ठीक है अच्छा इसके बाद में ये एजेंसी अगर मैं देशों की बात करूं तो यहां पर देश भी देख लो आप ये वाली जो जगह है यहां पर तो बैठा हुआ है क्रीमिया क्या बैठा हुआ है क्रीमिया याद आ गया यह जगह कौन सी हो गई क्रीमिया हो गई इसके बाद में यहां पर जो देश बैठा हुआ है ये और इस तरफ जो देश बैठा हुआ है उस देश का नाम क्या हो गया तुर्की क्या नाम हो गया टर्की टर्की क्लियर अच्छा इस प्रकार से ये जो एजेंसी है इसके इधर की तरफ वाला जो पूरा की पूरा हिस्सा हो गया ये वाला ये वाला देश कौन सा बन गया मेरे प्यारे साथियों अभी हमने पढ़ा ग्रीस अच्छा इस ग्रीस के बगल में यहां पर एक समुद्र और था यही तो पढ़ा हमने अभी हाल और उस समुद्र का नाम क्या था आयोनियन सी क्या नाम पढ़ लिया था हमने सी। ये लीजिए हो गया पूरा के पूरा समुद्र यात्रा खत्म हो गई सारे के सारे समुद्र पढ़ लिए इसके साथ साथ हमने सारी की सारी जल संधियां पढ़ ली हो गई रिविजन पूरा स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस समझ में आ गया इस न्यूज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या था इस पूरे की पूरे टर्की को बैलेंस करना इसके लिए इन्होंने 1.65 डॉलर का एक समझौता किया है जिसके अंदर मेरे प्यारे साथियों की प्रशिक्षण अकादमी जो है वो ट्रेनिंग देगी ग्रीस को उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कौन किसको देने वाला है हेलेनिक एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने वाला है एलबिट सिस्टम एलबिट सिस्टम कहां का है तो इजराइल का है ठीक है बेटा चलिए यहां तक सारी बातें समझ में आ गई अब देखिए यदि आपको यह न्यूज में यहां पर क्योंकि जिनको इंटरनेशनल न्यूज की परख है वो इस न्यूज को समझ पाएंगे क्या चल रहा है दुनियादारी में कुछ दिखाई दे रहा है आपको ये, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपको हेडलाइन दिखाई दे रही होगी इसराइल इन साइप्रस इजराइल इन साइप्रस का मतलब क्या हुआ इसराइल इन साइप्रस का मतलब हुआ साइप्रस में इसराइल का जो मुख्यालय है आगे बात समझ में इसराइल साइप्रस और ग्रीस इधर देख लो रीजनल कॉपरेशन इज टू इज ए की टू सक्सेस क्या सक्सेस करना चाहते हो आप लोग तो भाई साहब यहां सक्सेस की बात हो रही है टर्की के साथ चैलेंज लेने की तो यहां पर किस किस ने सहायता करी है इसराइल ने ग्रीस ने और एक नया नाम यहां पर जरूर देख लेना चाहिए आपको और वो क्या है वो है साथियों यूएई मैंने कल भी बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता कराने कौन आया यूएई आया भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने UAE आया। यूएई आजकल प्रतिनिधि हो रखा है किसका प्रतिनिधि हो रखा है यूएई प्रतिनिधि हो रखा है अमेरिका का हर जगह जहां जाओ वहां यूएई दिखाई दे रहा है आपको मालूम है हमने कुछ दिन पहले एक अब्राहम अकॉर्ड पढ़ा था जिसके तहत अमेरिका के कहने पर यूएई ने इसको स्वीकार कर लिया था इजराइल को स्वीकार कर लिया था तो अब देखिए यहां पर एक अलग ही रीजनल गणित बनती चली जा रही है यूएई साथ में साइप्रस साथ में ग्रीस साथ में और कौन साथ में इसराइल साथ में कुछ याद आ रहा है आपको क्या लगता है कि यूएई जो है वो समर्थन करता है रशिया का कि अमेरिका का सर कितनी बार बताओगे कि अमेरिका का समर्थन करता है तो टर्की को चैलेंज करने के लिए यहां पूरी एक लॉबिंग हो रही है असल में ये टर्की को नहीं रशिया के बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक यहां पर लॉबिंग हो रही है उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं एक इसराइल से जुड़ी हुई न्यूज और भी है और वो मैं आपको बता देता हूं इसराइल से जुड़ी हुई न्यूज ये है साथ कि इसराइल ने वर्ष 2021 में मास्क फ्री कंट्री होने का किताब जीत लिया है मास्क फ्री का मतलब हुआ कि इसराइल ने अपने यहां पर संपूर्ण वैक्सीनेशन करने का जो लक्ष्य लिया था उस पर 85 परसेंट तक पहुंच गया है यानी कि इन्होंने कहा है कि अब पब्लिक प्लेस में इसराइल में मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी और 2021 का पहला देश बन गया है, है। सेकेंड वेव के अंदर लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसराइल में वैक्सीनेशन अपने हाइट पर चल रहा है क्लियर स्कूलें वापस खुल चुकी हैं बच्चों को स्कूल आने की परमिशन हो चुकी है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसराइल टेक्नोलॉजिकली कितना आगे चल रहा है कि जिसके पास मात्र 96 लाख ,00 है मतलब हमारे राजस्थान की साढ़े छह करोड़ आबादी है उसमें से अगर मैं एक बटे छठे हिस्से की बात करूं इतना सा इसराइल है जिसने दुनिया के अंदर क्या क्या उदम मचा रखा है इससे अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा ठीक है ना तो इन्होंने एस थ्री हंड्रेड को तो फोर के भी देख लिया अपने पास में एक्सरसाइज के दौरान ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है तो साइप्रस ग्रीस ने हाल ही में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इसके कारण से जो पूरा की पूरा गेम है ये बदल चुका है और इसराइल साथ में आ गया है अब ग्रीस के बकायदा पैसा लेकर के ठीक है ना चलिए साथियों तो शुरू करते हैं अच्छा इसके साथ साथ ये सवाल एक अक्सर मैं पूछता हूं आज भी पूछ लेता हूं क्योंकि हाल ही में चर्चा में भी आया था और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों वाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन इन मेडिटरेनियन सी ये तो कई बार पूछ चुका हूं मैं आप लोगों से कि भूमध्य सागर में निम्न में से कौन सा देश ओपन नहीं होता वर्ष 2015 में यह सवाल पूछा गया है मेडिटरेनियन के अंदर मैंने अभी 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 मैं आपको इसराइल तो खुलता हुआ दिखाया ही था अब तो ये बहुत बार मैं ये सवाल बता चुका हूं आंसर है आपका जॉर्डन जॉर्डन कहां खुलता है तो मेरे प्यारे साथियों ये खुलता है गल्फ ऑफ अकाबा में याद है ना गल्फ ऑफ अकाबा के अंदर मेरे प्यारे साथियों याद करिए जल्दी से मैंने जॉर्डन आपको बताया था बताइए जॉर्डन की राजधानी क्या है रिसेंटली जॉर्डन चर्चा में रहा था क्योंकि यहां पर जो राजा था उसने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए अपने भाई को गिरफ्तार कर लिया था कुछ याद आ रहा है तो मैंने आपको यह पढ़ाया हुआ है ग्रीस के बारे में बाकी सारी बातें जो जानकारियां हैं वो मैंने आपको बता रखी हैं जो भी समुद्र वगैरह की जानकारी मैंने आपको दी वो यहां पर सारे दिखा दिए गए हैं ठीक है बेटा यहां पर ये सी रहा रहा ऑफ मरमरा ब्लैक सी आयोनियन सी जो भी समुद्र थे ये सारे के सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं गल्फ ऑफ अकावा का मतलब ये नहीं है कि अकावा ही राजधानी है बिल्कुल पुष्पेंद्र आपने सही आंसर दिया अम्मन पुष्पेंद्र ने सबसे पहले सही आंसर दिया अम्मन करके हमने कहा था अम्मा इसलिए हमें याद रह गया था जॉर्डन की राजधानी हालांकि मैं हर देश की राजधानी नहीं पूछता हूं लेकिन इसकी थोड़ी फनी सी थी जैसे अपने बड़ी अम्मा होती है वैसे इनकी राजधानी का नाम अपमान है तो इसलिए मैंने आपको पूछा था और यह अपन को याद भी रह गया था आओ साथियों अब दूसरे देश की यात्रा पर चलते हैं देखिए ऑन एन एवरेज मुझे एक आई का सवाल खत्म कराने में पंद्रह से बीस मिनट लगती ही लगती है क्योंकि आई किसी प्रश्न का आंसर नहीं है अंतरराष्ट्रीय संबंध में कोई एक देश खत्म नहीं कराया जा सकता पूरी कहानी होती है पूरे उसके पीछे का इतिहास होता है इसलिए मैं पूछ रहा हूं अगर आप चाहें तो मैं ये वाला पोर्शन जो है ना आई वाला इस पोर्शन को यहां से सेपरेट कर दूं क्योंकि दो सवाल मुझे आईआर के पढ़ाने पड़ते ही हैं सेपरेट करके उसे एक अलग बैच कर दूं डेडिकेटेडली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस कैंडिडेट्स जो कि उन्हें पढ़ सकते हैं एक अलग क्लास के अंदर वो मैं क्लास अलग से लगा दूंगा और बाकी जो इंडिया वाले क्वेश्चन है उनको मैं एक जगह ले आऊं सोच करके बताइएगा क्या सही है क्या गलत ऐसा नहीं है कि आप लोगों की एंट्री उसमें नहीं होगी आपको देखना हो तो उसे देखना अदरवाइज रहने देना ठीक है आइए साथियों आते हैं अब क्यूबा वाले देश में मेरे प्यारे साथियों क्यूबा ये वो छोटू सा देश जिसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया अमेरिका की नाक में ऐसा दम कर दिया कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से बत्तियां बुझा करके सो गया था बत्तियां बुझा करके सो गया था का मतलब समझ रहे हैं आप उसने पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया एक छोटे से देश के कारण कैसे और कौन से देश की बात हो रही है आइए अब हम बताते हैं साथियों व्यक्ति जो आज चर्चा में है इनका नाम है राहुल कास्त्रो जब हम राहुल कास्त्रो की बात कर रहे हैं तो राहुल कास्त्रो जो है ये है कौन ये फोटो में दिखा देते हैं आपको ये रहे राहुल कास्त्रो कहीं मिल जाए क्योंकि अब ये बुढ़ापे के अंदर अपना पद से इस्तीफा दे दिए हैं और ये वर्तमान में हो सकता है कहीं घूमने फिरने आ जाए कहीं आपको रास्ते में दिख जाए पहचान लीजिएगा राहुल कास्त्रो फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई हैं फिदेल कास्त्रो जो कि क्यूबा की क्रांति के जनक माने जाते क्यूबा की क्रांति जो 1960 के दशक में उन्नीस में हुई थी 1960 के दौरान तो हालत यह हो गई थी कि पूरी तरह अमेरिका से खिलाफत हो गई और बासठ में तो हालत यह हो गई कि अमेरिका को लगा कि अब अब मुश्किल बचेंगे कास्त्रो 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 के के कारण तो ये छोटे भाई हैं साथियों इस दुनिया दुनिया में 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 नहीं है 2011 में पद से इस्तीफा दे दिया 2016 में छोड़ के चले गए उन्होंने अपनी सत्ता अपने छोटे भाई को सौंप दी थी 2011 में ही, लेकिन ऑफिशियली 2016 में सत्ता मिली थी। अब इन्होंने भी पद छोड़ दिया है, इन्होंने कहा है कि नहीं, अब बहुत बड़ी कहानी एक छोटे से देश की और उस देश का नाम है क्यूबा बड़ी कहानी छोटे से देश की यूं है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में मेरे प्यारे साथियों अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है अगर आप सुनेंगे तो मजा आ जाएगा यह रहा अमेरिका साथियों अमेरिका के साथ में ये वाली गल्फ ऑफ मैक्सिको तो हमें पता ही है क्यों पता है क्योंकि यहां पर एक देश है जिसका नाम मेक्सिको है यह पूरा की पूरा देश आपको जो दिख रहा है यह रहा मेक्सिको अच्छा ये तो रहा मेरे प्यारे साथियों मेक्सिको और इस मेक्सिको अमेरिका के सामने जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है उस पर मुंह खोल के बैठा हुआ है क्यूबा साथियों आपको हो सकता है यहां पर छोटे छोटे आइलैंड ना दिख रहे हो लेकिन इधर देखो साथियों यहां पर बहुत छोटे छोटे देश भी हैं ये देखो आप ये दिख रहा है आपको ये छोटे छोटू 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 से देश हैं ये देखिए यहां पर जमे का दिख रहा होगा हैती दिख रहा होगा डोमिनिकन रिपब्लिक दिख रहा होगा ये छोटे छोटे बहामास करके एक छोटू सा देश दिख रहा होगा ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है साथियों और पता है ये सारे के सारे आइलैंड कंट्री जो है जिस समुद्र में है इस समुद्र को कैरेबियन समुद्र कहते हैं कौन सा समुद्र कहते हैं कैरेबियन समुद्र कहते हैं और कैरेबियन समुद्र में उपस्थित इन छोटे छोटे देशों को जो आइलैंड जैसे देश हैं इन्हें कैरेबियन कंट्री कहा जाता है क्या कहा जाता है कैरेबियन कंट्री कैरेबियन सी के नाम पर इन्हें कैरेबियन कंट्री कहा जाता है इन छोटे छोटे सारे देशों को चाहे 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 फिर वेस्ट इंडीज हो 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 हैती डोमिनिकन रिपब्लिक हो सारे की सारे चाहे क्यूबा हो ये सब की सब क्या कहलाते हैं कैरेबियन कंट्री तो ये मत समझना कैरेबियन कंट्री किसी एक देश का नाम है नहीं उस समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन सबको हम कैरेबियन कंट्री कहते हैं क्लियर हो गया अच्छा अब यहां पर हम बात कर रहे हैं क्यूबा के बारे में वापस लौट के आते हैं क्यूबा की लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि ये ये जो अमेरिका का नक्शा आपको दिख रहा है है बिल्कुल ऐसी हालत साथियों ये अमेरिका का नक्शा है पूरा अगर आप पहचान रहे हो ये पूरा अमेरिका है यहां से ऊपर ऊपर सारा अमेरिका है इस अमेरिका के जस्ट नीचे जैसे इंडिया के नीचे श्रीलंका बैठा हुआ है ना जैसे इंडिया के नीचे मालदीव बैठा हुआ है बिल्कुल अमेरिका के नीचे क्यूबा बैठा हुआ है साथियों बात कुछ ऐसी है कि लगभग 400 साल पहले पंद्रह सौ के आसपास ही यहां पर स्पेन वाले लोग आ गए थे देखिए अंग्रेजों भूखे भूखे गरीब लोग हुआ करते थे अंग्रेजों यूरोपियंस होते थे ना भाई लुटेरा वही बनता है जिसके पास धन नहीं होता है मैं तो सिंपल सी भाष में यही समझता हूं गरीब लोग ही लूटने के लिए निकलते थे है ना लेकिन हाँ गरीब लोग लूटने के लिए निकलते थे आज लुटेरे दुनिया को ज्ञान देते हैं तो हमको लगता है कि भाई अमीर आदमी लूटने नहीं निकलता वो लूट के घर भर चुका है अब हम गरीब लोग हैं है ना अब आइए साथियों यहां पर मुद्दा क्या है कि क्यूबा के ऊपर स्पेन का शासन हुआ करता था लगभग 400 साल तक फिर साथियों मैं एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा हूं हालांकि मैं आपके लिए सारी चीजें लिख करके भी दे दूंगा या यहीं से चलो मैं यहीं से कहता चलता हूं इधर देखिए साथियों ये दोनों भाई हैं ये है फिदेल कास्त्रो एकदम स्मार्ट मैन और ये है इनके भाई राहुल कास्त्रो ये दोनों ही सेना में रहे मतलब दोनों ही सत्ता में रहे साठ साल तक इनकी सत्ता चली उन्नीस सौ साठ से लेकर उन्नीस सौ बीस तक ये दोनों भाइयों का ही शासन चला साठ साल तक कहां पर क्यूबा के अंदर आइए मैं एक एक करके इनके बारे में सारी बातें बताता हूं साथियों इनकी बातें बताऊं लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा मैं क्यूबा का आप लोगों को इतिहास बताना चाहूंगा और क्यूबा के इतिहास को बताने से पहले एक जबरदस्त न्यूज ये बताना चाहूंगा कि ये क्यूबा वही है जिसे अमेरिका ने हाल ही में आतंकवादी देश घोषित किया है आतंकवादी बोले तो कि ये वो देश हैं जो दुनिया में टेररिज्म बढ़ा रहे हैं यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की, की सूची में रखा है यानी ये वो देश हैं जो क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों हाँ, दिव्या पूछ रही हैं हैं कि सर कहां से स्मार्ट है? बेटा फिदेल कास्त्रो तो बुढ़ा, बुढ़ा तो तो क्या ही देखना आदमी ये बहुत ही चैंपियन आदमी रह चुका है मतलब लोग दीवाने थे इसके भाई मतलब लोग टैटू और पोस्टर बनवाते थे इसके ठीक है चलिए खैर एनीवे वे बताएंगे तो यहां पर सुनिए साथियों मैं क्या कह रहा हूं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म साथियों अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यानी कि गृह मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी करी जनवरी 2021 में और दुनिया को चेता मतलब एक प्रकार से से बताया कि कि आपको हम बताने जा रहे हैं हैं वो कौन कौन से देश हैं जो दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं और वो कौन कौन से देश हैं तो उसमें इन्होंने नाम दिया अब इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर इन्होंने नाम दिया क्यूबा का दूसरा नाम दिया नॉर्थ कोरिया का तीसरा नाम दिया ईरान का और चौथा नाम दिया सीरिया का हो सकता है फिर से आपको यह जूम करके दिखाना पड़े इधर देखिए यहां पर साथियों एक नाम था क्यूबा का दूसरा नाम था साथियों यहां पर आपके सामने कोरिया का जो कि नॉर्थ कोरिया जिसे आप कहते हैं तीसरा ईरान का और चौथा सीरिया का ये चार देश मेरे प्यारे साथियों यहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए जाने गए यानी ये वो जगह हैं जो कि दुनिया में आतंकवाद फैला रही हैं अब क्या होता है दुनिया में आतंकवाद फैलाने में क्यूबा का नाम कैसे आ गया ये तो बहुत पहले ही इनके बीच में दोस्ती हो रखी थी सर अब भाई इसके पीछे की कहानी है मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को बताया भी है अगर आपको याद हो तो याद करिएगा मैंने आपको बताया था कि क्यूबा की राजधानी है हवाना याद है क्यूबा की राजधानी का नाम है हवाना हवाना अब साथियों होता क्या था कि अमेरिका और क्यूबा के बीच दोस्ती हो गई थी इतिहास बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की नजर में यह एक आतंकवादी देश है लेकिन फिलहाल के लिए हवाना के बारे में मैं बता दूं हवाना वो जगह है जहां पर अमेरिका के ब्यूरोक्रेट्स राजदूत जब यहां की एम्बेसी में जाने रहते हैं आज भी जब जाने के लिए रहते हैं तो क्यूबा वाले लोग उनको बिजली के झटके देते हैं बिजली के झटके देते हैं और इसको क्यूबा ये क्या बोलते हैं अमेरिका के साइंस डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके कहा है क्या कहा है रिसर्च करके कि भाई ये जो लोग हैं यहां पर एक विशेष प्रकार की बीमारी पाई जाती है और वो क्या है हवाना सिंड्रोम नामक एक बीमारी पाई जाती है और वो क्या होती है इनका कहना है अमेरिका वालों का कि हमारे राजदूत या फिर ब्यूरोक्रेट जब भी हवाना गए हैं उनको उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं चक्कर आना शुरू हो जाता है उनका ध्यान काम में नहीं लगता और उनका ध्यान काम में नहीं लगता तो फिर रिसर्च करिए कि ऐसा क्या है कि वहीं जाते ही हमारे सारे के सारे राजनेता राजदूत बीमार हो जाते हैं आज की स्थिति यह है कि यहां पर कहा गया कि इन लोगों ने एक ऐसी मशीन सेट कर रखी है जहां पर ये रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वहां पर बिजली की रेडिएशंस जाती हैं दिमाग में सीधा इलेक्ट्रिक वेव्स को उड़ा उड़ा करके भेजते हैं दिमाग में जिससे आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। मतलब इनके पास में दुनिया को ट्रेलर देने का अलग ही तरीका है और वो कौन सा देश है हवाना छोटू सा देश है साथियों मतलब कह दो कि एक समय पर ये शुगर का कटोरा कहा जाने वाला देश था ये अमेरिका से खुला चैलेंज लेता है खुला चैलेंज का हद यह है कि ये अमेरिका वाले अगर इसके साथ थोड़ा इंटरफेयर करते हैं तो ये धमका देता है अमेरिका को अमेरिका के खिलाफ एनी टाइम वोटिंग करता है और मैं मजेदार बात बताऊं आपको यकीन नहीं होगा कि क्यूबा और भारत की दोस्ती अल्टीमेट है दोस्ती अल्टीमेट ऐसी है कि भारत जब भी कोई क्यूबा प्रस्ताव लेके आता है अमेरिका के खिलाफ भारत उसके समर्थन में उतर जाता है मतलब अपन लोग पुराने दोस्त हैं भारत और क्यूबा जो है ये बहुत पुराने दोस्त हैं जब से फिदेल कास्त्रो का शासन है तो अब थोड़ा सा इतिहास जानते हैं ताकि मजा आएगा इस बात को समझने में तो क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर क्यों रखा गया क्योंकि ये हवाना सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार पाया गया था साथियों ये जो आप देख रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दू लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को इतिहास बताने का प्रयास करता हूं क्यूबा का क्यूबा का इतिहास यूं है साथियों वर्ष अठारह के अंदर देखिए लंबे समय तक यहां पर क्या रहा स्पेन का शासन रहा स्पेन के बाद में मेरे प्यारे साथियों 1886 में लड़ाइयां होना शुरू हुई अमेरिका और स्पेन के बीच में ये सारे तथ्य तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन कुछ तथ्यात्मक बातें मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं 1898 के आसपास अमेरिका ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया क्यूबा वाले इतनी नफरत क्यों करते हैं अमेरिका से क्योंकि अमेरिका ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया था अमेरिका भी कब्जा करता था समझ गए तो इसने क्यूबा पर, अमेरिका की तरीके ही अलग हैं

ये आजकल चलने वाले सबसे बेस्ट तरीकों में से एक है क्या तरीका अपन अब तक तो यह समझते थे कि भाई इंग्लैंड वाले आए इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटेन वाले इंडिया आए अपनी सेना लाए अपने वायस राय लाए अपने गवर्नर लाए इंडिया पर शासन करके चले गए सारा खर्चा खुद का किया भाई उनको लाने के लिए ले जाने के लिए हालांकि तनखा तो हम ही देते थे लेकिन फिर भी परेशानी तो खुद के आदमियों को उठानी पड़ी ना लेकिन साहब अमेरिका एक और आगे कदम पर निकल गया और उसने क्या कहा बोले देखो सिंपल सी बात है खुद की सेना पर खर्चा मत करो यार अपनी सेना अपने पास रखो एक आदमी को पकड़ो वहां पर बिलियंस में पैकेज दो उसको और कहो कि तू हमारे लिए काम करेगा और साथियों यह आज भी अमेरिका की पॉलिसी है अगर आपको मालूम हो तो इराक में सद्दाम हुसैन को हटा करके जो वर्तमान प्रधानमंत्री बिठा रखा है वो पपेट प्राइम मिनिस्टर कहलाता है कठपुतली बिल्कुल एकदम सूटेड बूटेड अंग्रेजी करने वाला इराक का प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है यानी कि प्रधानमंत्री वो इराक का है लेकिन अमेरिका ने उसे अपॉइंट किया है ताकि इराक वाला व्यक्ति होकर के भी वो अमेरिका के पक्ष में बोलेगा एग्जेक्टली ऐसे ही सेम सीरिया के अंदर कर रखा है हर देश की यही हालत है जहां जहां अमेरिका कंट्रोल करने पहुंचा अब जैसे अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी को ही ले लो हामिद अंसारी को ही ले लो जो वहां पर बिठा रखे हैं इन्होंने कहां पर अफगानिस्तान के अंदर इनका सीन क्या है ये सारे की सारे अमेरिका के के अमेरिका ही अपॉइंट किए हुए लोग हैं इन्हें पैसा दिया जाता है कि तुम लोग हमारे बिहाफ पर अपने ही लोगों से काम करवाओगे ये सबसे बेस्ट तरीका है ये तरीका ट्रायल एंड टेस्टेड था कहां पर अमेरिका ने सबसे पहले यह तरीका अपनाया था क्यूबा के ऊपर और क्यूबा में अमेरिका ने अपने ही एक व्यक्ति को यहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था होता वो अमेरिका का नहीं है अरे यार अपन कहते नहीं घर का भेदी लंका ढाए अपने ही यहां से किसी को उठा करके यहां का राजा बना दो और कहो कि ये तो आप ही का व्यक्ति है लेकिन वो कहे के अनुसार काम तो भाई अमेरिका के ही कर रहा है ना तो हुआ यह साथियों यहां पर इन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया अमेरिका वालों ने 1940 में 1942 में जिसका नाम था बस्तिसा बस जिसका नाम था बस उन्नीस 1942 की बात है ये अमेरिका वालों ने क्यूबा में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जिसका नाम था बस्तिसा बस और यह जो बस्तिस्ता था यह बिल्कुल इस तरह काम करने लगा कि क्यूबा आजाद हो गया है क्यों क्योंकि भाई अठारह से लेकर 1942 तक अमेरिका का डायरेक्ट शासन था अमेरिका को जब यहां से जाना पड़ा तो उन्होंने अपना ही एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया कि बस्तिस्ता शासन चलाएंगे बस्तिस्ता क्यूबा के थे लोगों ने कहा वाह हम आजाद हो गए लेकिन बाद में पता चला यार ये तो सारा काम वही कर रहा है जो अमेरिका कहता है तो उन्नीस से लेकर के उन्नीस यानी 59 तक साथियों हालत ये हो गए कि लोग बस्तिस्ता के एक प्रकार के उस शासन में त्रस्त हो गए जिसमें वो एक तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगा और अमेरिका का बनाया हुआ यह तानाशाह फिदेल कास्त्रो की भेंट चढ़ गया मेरे प्यारे साथियों फिदेल कास्त्रो का समय आता है 1959 में तो भाई साहब 1959 में आते हैं फिदेल कास्त्रो और ये फिदेल कास्त्रो एकदम नौजवान युवा आकर के मेरे प्यारे साथियों लोगों के अंदर एक मोटिवेशन भरता है और एक क्रांति होती है जिसे कहा जाता है क्यूबन और मेरे प्यारे साथियों उस क्रांति क्रांति के के दौरान दौरान 1959 में हुई इस के दौरान, बस की जो वो है सत्ता उसको बस्ते में डाल के पैक कर दिया जाता है कि भैया बस्तिस्ता इसे लेके साइड में हो लो अब शासन यहां पर फिदेल कास्त्रो का चलेगा और फिदेल कास्त्रो यहां पर आ जाते हैं चूंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश था तो बस के समर्थन में जो पूंजीवाद था वो भी खत्म हो गया फिर आया कौन सा वाद फिर आया साम्यवाद साम्यवाद और और को प्रमोट करने वाले दो देश हुआ करते थे एक का नाम था और एक का का नाम नाम था था यूएसएसआर चाइना तो यूएसएसआर और चाइना ने क्यूबा को प्रमोट किया और स्थापना हुई साथियों यहां पर एक पार्टी की जिसका नाम क्या था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सुनते हैं ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा की स्थापना हुई फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ यानी कि सर्वहारा वर्ग का शासन हर किसी को मिलेगी सुविधा मैं आपको बताऊं साथियों जब फिदेल कास्त्रो का शासन शुरुआत में आया तो क्यूबा ने इतनी ग्रोथ करी कि दुनिया को चौंका दिया इस देश ने कैसे ग्रोथ करी दुनिया में आज भी पुरानी किताबों में जो शुगर का कटोरा है यानी दुनिया के अंदर जो मतलब कहते हैं शुगर बॉल जिसे कहा जाता है वो क्यूबा को कहा जाता है इतना सा आइलैंड जिसने बहुत जबरदस्त तरीके से शुगर पैदा करी दूसरा मेरे प्यारे साथियों आज भी ये वो देश है जहां पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो क्यूबा में ही है क्योंकि यहां पर पूरी तरह से जो चिकित्सा है मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यहां पर लोगों का इलाज सरकार कराती है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की अनुमति नहीं है यहां पर पूरा इलाज और वो भी दुनिया के बेहतरीन इलाजों में से एक क्यूबा में कराया जाता है यहां का एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में भी यहां कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है क्योंकि यहां पर साम्यवाद है और साम्यवाद के तहत प्राइवेट का कोई स्थान नहीं है यानी कि ये वो देश रहा जिसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया साम्यवाद को और एक बेहतरीन उदाहरण बनाकर प्रस्तुत किया लेकिन हर चीज की अति बुरी होती है और अति में फिदल कास्त्रो अपने विरोधियों को दबाते चले गए और बाद में उन्हें भी एक तानाशाह का रूप दे दिया गया साथियों समय आया 1962 का थोड़ा सा इसके बारे में भी सुन लीजिए मैं पूरा इतिहास बना ले जाऊंगा अदरवाइज वर्ष आया मेरे प्यारे साथियों 1962 का और 1962 में मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ अब वो सुनिएगा साथियों हुआ ये कि ये एक फोटो है शायद आपको ये जूम करने पर दिखाई दी जाएगी कंटेंट जब शेयर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है ये एक फोटो है उन्नीस में क्या हुआ कि अमेरिका ने अपना एक जहाज खुफिया जहाज क्यूबा के ऊपर से उड़ाया क्यूबा के ऊपर से जब एक जहाज उड़ाया तो अक्टूबर उन्नीस में कुछ इस प्रकार का नजारा दिखा अब ये दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है मैं पास से देख रहा हूं ना यहां पर उसने देखा कि क्यूबा ने अमेरिका की तरफ मुंह करके बहुत सारी मिसाइलें लाइन से खड़ी कर रखी हैं और बहुत सारी मिसाइलें लाइन से खड़ी कर रखी हैं और वो मिसाइलें परमाणु हथियार सक्षम थी उन मिसाइलों को जब जूम करके देखा गया तो उसमें यूएसएसआर का नाम लिखा था यूएसएसआर जो उन दिनों अमेरिका के साथ में कोल्ड वॉर लड़ रहा था शीत युद्ध लड़ रहा था वो क्यूबा को हथियार दे रहा था कहते हैं यदि यह जासूसी जहाज उड़ता नहीं क्यूबा के ऊपर से तो अगले ही सात दिन में अमेरिका पर हमला होने वाला था जो कि सदी का सबसे बड़ा हमला कहलाता। मेरे प्यारे साथियों रशिया का प्रयास था कि क्यूबा के ऊपर बनाया जाए एक लॉन्च पैड वहां से मिसाइल चलाई जाए अमेरिका के ऊपर और पूरा अमेरिका तबाह कर दिया जाए उन्नीस में लेकिन खुफिया एजेंसी की मदद से अमेरिका को यह पता चल गया कि क्यूबा मेरे ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहा है यूएसएसआर की मदद से और जब सात दिन पहले यह बात चली तो मेरे प्यारे साथियों पूरे अमेरिका में ब्लैकआउट कर दिया गया ब्लैकआउट का मतलब होता है कि पूरे अमेरिका में कोई यह ना पहचान पाए कि कौन कहां रहता है ब्लैकआउट का मतलब सारी बत्तियां बुझा दो ताकि किसी को लोकेशन पता ना चले कि यहां भीड़ ज्यादा है कि यहां कम है बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए वो परिस्थिति ब्लैकआउट कहलाती है और मेरे प्यारे साथियों अमेरिका बहुत डर डर के जीने लगा तब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में ब्लैक बैकडोर से समझौता हुआ और समझौते के बाद में यह निर्णय निकला कि यूएसएसआर जो है वो क्यूबा से अपनी मिसाइलें वापस हटाएगा और उन्नीस में आया यह क्राइसिस क्यूबन क्राइसिस कहलाता है और कहते हैं कि इतने से देश ने अमेरिका की हालत खराब कर दी थी आज वापस वही स्थिति है आना अमेरिका और क्यूबा के बीच में रिश्ते धीरे धीरे सामान्य होते चले गए चीजें बदलती चली गई लेकिन आज भी इन दोनों की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है और इस दुश्मनी को निभाने वाला कोई और नहीं फिदेल कास्त्रो था और इनके छोटे भाई राहुल कास्त्रो जो कि मेरे प्यारे साथियों इनकी सेना के प्रधान रहे जब तक फिदेल कास्त्रो जिंदा थे वो देश के प्रमुख रहे और उनके बाद आए राहुल राउल कास्त्रो और राउल कास्त्रो ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है बुढ़ापे के कारण कि अब नहीं चला पाएंगे सत्ता कोई और चलाए उम्मीद है आज आपको क्यूबा का पूरा क्राइसिस क्यूबा की आजादी ये सारी बातें बहुत अच्छे से और डिटेल में कहानी के रूप में समझ में आई होंगी ठीक है चलिए इसके अलावा इंडिया और क्यूबा की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं साथियों क्यूबा के अंदर महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर Even रविंद्रनाथ टैगोर को तो वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है मालूम होना चाहिए वही रविंद्रनाथ टैगोर जिनको उनकी गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए 1913 का का पहला पहला साहित्य भारतीय भारतीय सा, भारती भारत में अगर कोई नोबल मिला था तो वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था वर्ष दो में जब मेरे प्यारे साथियों सौ जयंती रविंद्रनाथ टैगोर की मनाई जा रही थी तो क्यूबा ने अपने यहां उनका स्टैचू का निर्माण किया और आज भी वो क्यूबा के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाते हैं साहित्य की लिखी हुई पुस्तक जिसे आप गीतांजलि कहते हैं जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में पहला नोबल पुरस्कार मिला था उन्हें मेरे प्यारे साथियों वहां पर पूजनीय माना जाता है महात्मा गांधी मदर टेरेसा इवन गुरु नानक जयंती जैसे पर्व क्यूबा में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं अगर बात की जाए इंटरनेशनल योगा डे की तो इंटरनेशनल योगा डे को भारत के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता होगा तो उसका नाम क्यूबा है अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जब भी भारत ने समर्थन मांगा क्यूबा से कि हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए तो क्यूबा ही वो देश है जो आगे खड़ा रहता है भारत के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वर्ष दो में क्यूबा की यात्रा पर भी गए इतनी सारी चीजें भारत और क्यूबा के बीच कॉमन है क्यूबा अगर कोई भी रेजोल्यूशन अमेरिका के खिलाफ लाता है तो भारत उसका समर्थन करता है और भारत जब भी कोई यूएन में अपनी सीट को लेकर डिमांड करता है तो फिर मेरे प्यारे साथियों क्यूबा भारत को सपोर्ट करता है तो ये दोनों के बीच की एक अंडरस्टैंडिंग है 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 उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी क्लियर है? तो बहुत सारी बातें काफी सारी कहानियां आपको आज पता चल गई होंगी और ये दोनों नाम के सदस्य भी हैं नॉन अलायंस मूवमेंट गुट निरपेक्ष नीति के सदस्य भी हैं उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी ठीक है ना मजा आया कहानी सुन करके एक बार जल्दी से सेशन शेयर कर दो और थम्सअप करके बताओ कि हाँ सर मजा आया चीजें सीखने में है चलिए आगे आइए बहुत सारी बातें देखिए मैं बोलते हुए निकल जाता हूं लेकिन आप लिखना मत भूला करिए क्योंकि मेरा फ्लो जो है ना वो लिखने में बहुत बार टूट जाता है तो लिखते समय वो टूटना ना फ्लो ना टूट पाए इसलिए मैं बोलते हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल जाता हूं आप उन्हें आराम आराम से पॉज करके बाद में भी लिख सकते हैं ठीक है फिलहाल सुनिए और ज्ञान का आनंद लेते चलिए अब एक सवाल की तरफ चलते हैं आज कैरेबियन कंट्री चर्चा में है साथियों और उन कैरेबियन कंट्री में हाल ही में एक कैरेबियन आईलैंड चर्चा में है और उस उसकेबियन आइलैंड की न्यूज यह है कि अप्रैल में वहां पर एक ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटा तो मेरे प्यारे साथियों ज्वालामुखी फटने से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हुई भारत चिंतित है कि वही क्यूबा के पड़ोस वाले देशों में से उड़कर के आने वाला सल्फर डाइऑक्साइड भारत में अम्लीय वर्षा करेगा जबरदस्त सवाल है आइए साथियों शुरू करते हैं इस सवाल को मजेदार सवाल है क्या है आइए मैं पूरी न्यूज बताता हूं आपको मेरे प्यारे साथियों एक न्यूज का आपके सामने आर्टिकल मैं शेयर कर रहा हूं जरा आप इसे ध्यान से देखें यह आर्टिकल 13 अप्रैल का है 13 अप्रैल को एक कैरेबियन आइलैंड कौन सा कैरेबियन आइलैंड इसका नाम है सेंट विनसेंट आज हम पूरी कैरेबियन यात्रा पर निकले हुए हैं तो आइए मेरे प्यारे साथियों कैरेबियन की बात सुनते हैं आइए देखते हैं साथियों मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैप दिखाया था अगर आपको मैप देखा हो तो पता होगा बहुत आज भी इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत अल्टीमेट बातें सीखने वाले हैं आप देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं मैं जब कोई ऐसी चीज आपके लिए बोलता हूं कि इस पॉइंट को लिख लेना मैं बहुत सारे, बहुत, बहुत सारे बोलते हुए निकल जाता हूं लिखवा नहीं पाता आप उन्हें लिख लिया करें क्योंकि पूरा 150 की स्पीड पे गाड़ी चल रही होती है तो लिखते समय वो स्पीड ब्रेक हो जाती है चीजें ध्यान से सुनते चलिएगा साथियों हुआ क्या जरा ध्यान से सुनिएगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये पूरा कैरेबियन सी है कैरेबियन सी में एक तरफ क्यूबा था क्यूबा के बाद में डोमिनिकन रिपब्लिक था हैती था याद आ गया उनके नीचे मेरे प्यारे साथियों थोड़ा नीचे की तरफ देखिए और यहां पर आपको एक और आइलैंड दिखाई दे रहा होगा कि ये सारे के सारे कैरेबियन आइलैंड हैं और ये मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूं आप इसे देखिए ये पहचानिए इधर देखिए सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स ये नामक एक आइलैंड है ये पूरे कैरेबियन आइलैंड है साथियों देखिए बिंदी 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 करके लगे हुए हैं हैं सारे छोटे छोटे आइलैंड यहीं पर बहामास वगैरह सब अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं इस जगह की तो ये कहां पर स्थित है मैं आपको मैप में इस तरह से दिखाऊं देखिए अपन लोग कई बार इस मैप को इस तरह से भी समझ सकते हैं अपन लोगों ने कई बार एक चीज समझी है अगर आपने देखा हो तो अपन ऐसे करके तो पढ़ते हैं पूरी तरह से क्या साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका के पास में यहां पर पनामा कैनाल और पनामा कैनाल के ऊपर की तरफ ये वाली जो जगह है कौन सी वाली पनामा कैनाल के साथ में यहां पर ये अमेरिका नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा याद आ गया ये तो हो गया साउथ अमेरिका ये हो गया नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में यहां पर कौन सा जगह आ गई मैक्सिको ये वाली जगह कौन सी आ गई पनामा ये रहा पनामा अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसके बीच में ये वाली जो जगह थी इसी का नाम क्या था मैक्सिको कैनाल गल्फ ऑफ मैक्सिको भाई यही तो थी गल्फ ऑफ मेक्सिको अब गल्फ ऑफ मैक्सिको के आगे ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इस वाले क्षेत्र को जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाहर वाला क्षेत्र है इसे हमने क्या कहा था कैरेबियन सी क्या नाम दिया था कैरेबियन समुद्र कैरेबियन समुद्र नाम दिया अब ये जो कैरेबियन समुद्र है साथियों इस कैरेबियन समुद्र में छोटे छोटे से आइलैंड लगे हुए हैं छोटे छोटे से जो आइलैंड लगे हुए हैं यहां पर हमने क्यूबा देख लिया बहामास देख लिया हैती डोमेनिकन रिपब्लिक उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं यही पर मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको इधर देखिए ये वही छोटे छोटे से आइलैंड हैं जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं आगे बात समझ में ये पूरे के पूरे आइलैंड्स हैं इन्हें कैरेबियन सी में होने के कारण कैरेबियन आइलैंड कहते हैं अच्छा तो मेरे प्यारे साथियों इधर की तरफ सुनिए इन कैरेबियन आईलैंड में सेंट विंसेंट में तेरह अप्रैल को आग लग गई तो सर तेरह अप्रैल को आग लगी आज क्यों पढ़ा रहे हो आप अब जितने भी साथी लाइव है एक बार सेशन शेयर करो यार फीलिंग नहीं आती है मेहनत करने की ध्यान से सुनिएगा साथियों क्या हुआ तेरह अप्रैल को यहां पर आग लग गई आग लग लगी दिखी रही है ये आग नहीं है असल में ये एक है साथियों सेंट विंसेंट में वॉलो फा फटा लगभग 300 नहीं 200 साल बाद 220 साल बाद एक वॉलो फटा और वो वॉल्केनो सेंट विंसेंट के नाम से ही जाना जाता है ये वॉल्केनो ऐसा फटा ऐसा फटा अब तक जल रहा है और इसकी वजह से वॉलकेनो के भीतर से निकल के आई हुई जो गैस है ना सल्फर डाइऑक्साइड निकलती तो बहुत सारी गैसे हैं केवल मीथेन को छोड़कर अधिकांश गैसे निकल जाती है यहां से तो इसमें से निकली हुई जो मेरे प्यारे साथियों गैस है सल्फर डाइऑक्साइड पता है क्या हुआ वो सल्फर डाइऑक्साइड आसमान में चली गई बोले तो क्या हो गया मैंने कहा आसमान में कहां चली गई कुछ याद है

और वहां पर बादल बना लिए यानी कि स्टेटोस्फेयर में स्टेटोस्फेरिक क्लाउड बना लिए किसने सल्फर डाइऑक्साइड ने और आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों हो, हवा उस स्टेटोस्फेयर से उड़ती 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 समताप मंडल से उड़ती उड़ती कहां आ रही है इंडिया की तरफ आ रही है इंडिया की चिंता यह है कि भाई जो ऊपर गया है वो तो नीचे आएगा और यदि ये ऊपर सवा सल्फर डाइऑक्साइड पहुंच गई है तो ये नीचे आएगी और नीचे आई तो मंडल के अंदर मेरे प्यारे साथियों वो क्या है के अंदर उपस्थित है पानी H2O के साथ में अगर SO2 मिल गई हाँ भाई लीजिएगा H2O के साथ में अगर SO2 मिल गई तो ये दोनों मिलकर के मेरे प्यारे साथियों क्या बनाएंगे H2SO4 और ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो हवा उड़ करके गई है उनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी शामिल है क्या चीज शामिल है नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बोले ये NO2 जो है अगर ये H2O से मिल गई तो बनाएगी HNO3 तो मेरे प्यारे साथियों देश को चिंता ये हो रही है क्या हो रही है मेरे प्यारे साथियों देश को चिंता ये हो रही है कि भारत में हो सकती है अम्लीय वर्षा भाई साहब किसी के यहां कुछ फटा चिंता हमारे यहां चिंता क्या कि भारत में हो सकती है अम्लीय वर्षा क्योंकि जब आसमान में से टपकेगा अम्ल तो वर्षा तो अम्लीय ही कहलाएगी और अम्ल में टपकेगा कौन H2SO4 और HNO3। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी तो अब सोच के देखिए कितनी गजब बात है और कहां से निकल के आ रही है आपको पता है वैज्ञानिकों ने क्या कहा है आप जान करके एक नया टर्म आज सीखेंगे और वो नया टर्म जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसका नाम है साथियों ग्लोबल कूलिंग आप लोगों ने अक्सर एक शब्द सीखा होगा और वो क्या है आप लोगों ने शब्द सीखा है ग्लोबल वार्मिंग क्या सुना है आप लोगों ने आज तक एक शब्द जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग में आप लोग एक चीज पढ़ते थे क्या कि यदि आप लोग ग्लोबल वार्मिंग में एक चीज पढ़ते थे कि हवाओं के कारण तापमान का बढ़ना धरती पर तापमान का बढ़ना अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई ये धरती है धरती के ऊपर पर मंडल 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 है बोले तो इस, इस में बहुत सारी गैसें हैं बहुत सारी गैसें हैं और यहां पर बैठे हुए जो हमारे सूर्य देव हैं वो सूर्य देव अपनी जब रेडिएशन को यहां भेजते हैं तो ये रेडिएशन जो है यह धरती से ऊपर निकल नहीं पाती और अटक जाती हैं। किन के कारण इन हवाओं की परत के कारण इनके कारण जो बढ़ा हुआ तापमान है उसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या ग्लोबल वार्मिंग है कि मंडल में उपस्थित हवाओं के कारण पृथ्वी पर आई सूर्य की विकिरणें जब लौट नहीं पाती दोबारा सुनिएगा साथियों सूर्य की विकिरणें जब आती हैं तो कम वेवलेंथ की होती हैं जाती हैं तो ज्यादा वेवलेंथ की होती हैं क्यों क्योंकि एनर्जी देखे जाती हैं

यदि लैमड़ा ज्यादा है तो ऊर्जा कम है यदि लैमड़ा ज्यादा है तो ऊर्जा कम है और अगर लैमड़ा कम है तो ऊर्जा ज्यादा है हो गई ना बात समझ में एनर्जी क्लियर तो यहां देखिए मेरे प्यारे साथियों सूर्य के प्रकाश से जब हमारे पास ऊर्जा चल के आती है तो सूर्य की तो एनर्जी ज्यादा होती है तो ज्यादा एनर्जी है तो ये जो लेमड़ा है ये कम होता है कम होता है तो इसको मैं यूं भी करके दिखा सकता हूं ये थोड़ा नजदीक होता है लेमड़ा क्या होता है दो परस्पर शंग और गर्त के बीच की दूरी लेमड़ा कहलाती है यह चीज लेमड़ा होती है साथियों है ना तो हालांकि ये सब चीजें आपने जर्नल साइंस में पढ़ी होंगी लेकिन नहीं भी पढ़ी है, तो फिलहाल के लिए प्रकाश तो तो अपनी छोड़ देता है। इस से तरंग दैर्ध्य लंबी हो जाती है कम ऊर्जा वाली हो जाती है क्योंकि उसका ताप पृथ्वी ने रोक लिया है तो बड़ी लैमड़ा जब वापस जाती है तो क्षोभमंडल में उपस्थित जो हवाएं हैं हवाएं कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है सीजन है यह उस हवा को लौटने नहीं देती जिस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इस तापमान को बढ़े हुए तापमान को हम वैश्विक तापन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते कहते हैं हैं वैश्विक तापन कहते हैं। हाँ भाई सरल रूप से आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आई अगर ग्लोबल वार्मिंग समझ में आई तब मैं आपको आगे वाली चीजें समझाऊंगा पहले थम्सअप करके ये बताइए मेरे प्यारे साथियों की क्या आपको यह बात समझ में आई बोलिए फटाफट थम्स अप करिए मेरे प्यारे साथियों क्या आपको यह वाली बात समझ देखिए मैं पहले यह समझाऊंगा तब आपको दूसरा टर्म सिखाऊंगा आपको यह बात समझ में आएगी तब आपको दूसरी बात समझाऊंगा ना क्या भाई क्लियर आ गई तो यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों कि तापमान का पृथ्वी पर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग होता है लेकिन ये जो गैस निकल करके क्षोभ मंडल को क्रॉस करके समताप मंडल में चली गई है स्ट्रेटोस्फीयर में चली गई है उससे चिंता इस बात की हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग तो छोड़ो इधर देखो यहां से निकली हवाएं कौन कौन सी हवाएं निकलती हैं यहां सेनो से? मतलब फटता है तो देखिए H2O निकल रही है CO2 निकल रही है राख निकल रही है HCL निकल रहा है ये सारी चीजें यहां से निकल रही हैं और आसमान में जा रही हैं मेरे प्यारे साथियों जब आसमान में जा रही हैं तो हो क्या रहा है अब इधर की तरफ देखो ये वॉल्के फटा इसकी वजह से ये सब चीजें बाहर निकली और बाहर निकल करके साथियों इधर देखो आप ये जो सल्फर डाइऑक्साइड था सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर पानी से मिला एच टू एसओ गिर गया और एक चीज आप यहां पर देखना ये ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बताई जरा इसको देखने का प्रयास करना ये देखो अब हो क्या रहा है पहले मैं ग्लोबल वार्मिंग आपको बता दूं पृथ्वी के ऊपर सूर्य की रेडिएशन आई नीचे की तरफ तापमान बढ़ गया ये तो हो गया मेरे प्यारे साथियों यदि क्षोभ मंडल से ऊपर हवा अटक गई तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों सूर्य का जो तापमान पृथ्वी की तरफ आएगा वो सूर्य की किरणें ही नीचे नहीं आ पाएंगी ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुन लो सूर्य की किरणें देखिए मैंने आपको जो पहले वाले डायग्राम में बताया आप इस डायग्राम को समझने का प्रयास करिए मैंने क्या कहा था सूर्य का तापमान पृथ्वी तक आया तापमान बढ़ गया क्या कहलाया ग्लोबल वार्मिंग अब इसका उलट समझो उलट क्या है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आ ही नहीं पाई इधर देखो ये पृथ्वी है पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है इसके ऊपर समताप मंडल बना हुआ है। यहां से जो आपने अभी एसो टू और वेपर यहां तक टिका दी क्योंकि ये इतना भयंकर वॉल फटा है ये जो चीज यहां पर पहुंची साथियों इसने समताप मंडल में एक बाउंड्री बना ली बताया इसका क्या प्रभाव पड़ा इसका प्रभाव यह पड़ा साथियों कि सूर्य की किरणें जो क्रॉस करके उच्च ऊर्जा वाली नीचे आ रही थी वो नीचे ही नहीं आ पा रही हैं। तो क्या हुआ तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ा नहीं मेरे प्यारे साथियों तो क्या हुआ तापमान घट गया और तापमान घट गया इस घटना को हम मेरे प्यारे साथियों ग्लोबल कूलिंग कहते हैं जी हां राजीव रंजन इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों इसे हम लोग ग्लोबल कूलिंग कहते हैं अगर किसी को यह बात समझ में आई हो कि ग्लोबल वार्मिंग वर्सेस ग्लोबल कूलिंग में क्या अंतर है ग्लोबल वार्मिंग वो है जब सूर्य का प्रकाश धरती पर आया लौट नहीं पाया गर्मी बढ़ा दी ग्लोबल वार्मिंग लेकिन सूर्य का प्रकाश नीचे ही नहीं आ पाया तो उसे ग्लोबल कूलिंग कहते हैं साथियों अनुमानित है कि इस वॉलकनो के कारण एवरेज टेम्परेचर में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने वाली है कुछ निश्चित समय तक यानी कि इसकी वजह से जो बादल आसमान में बने हैं वो धरती पर क्या नहीं आने देंगे आपकी रेडिएशन नहीं आने देंगे ज्योग्राफी का ये बहुत ही गहरा और अल्टीमेट कंसेप्ट है साथियों इसे बहुत अच्छे से सीख लेना और ऐसी स्थिति में यहां ठंड बढ़ेगी आ गया मजा समझ में आ गई बात कहानी क्या चल रही है ग्लोबल कूलिंग समझ में आ गया क्या कुछ होने वाला है अम्लीय वर्षा समझ में आ गई ये हवा उड़ करके इंडिया तक आएगी ये देखो यहां से फटार यो उड़ पड़ा आपके यहां पर चलेगा और चल करके यहां से निकला हुआ है सेंट विंसेंट आइलैंड से और ये निकल के मेरे प्यारे साथियों इंडिया की तरफ चल पड़ा है और ग्लोबल कूलिंग बढ़ाएगा ये समझ गए तो उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अम्ल का निर्माण कैसे हुआ तो वो मैंने आपको बता दिया अम्लीय वर्षा अगर हो गई तो क्या होगा पहली चीज तो मेरे प्यारे साथियों ये सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए अम्ल बन गया अब वो बारिश के रूप में निकलेगा तो क्या होगा तो मेरे प्यारे साथियों अम्लीय वर्षा आपके देश में होती रहती है आपको ही नहीं पता है क्या बात कर रहे हो हमारे देश में अम्लीय वर्षा होती रहती है जी हां मेरे प्यारे साथियों ये सवाल यूपीएससी भी पूछ चुकी है और उसके बाद तमाम एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्या कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है इसके पीछे का कारण यह है कि ताजमहल जो है वो बना हुआ है संगमरमर से और संगमरमर जो होता है वो होता है सी एस सी ओ थ्री दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में आसमान में से टपकने वाला अम्ल दैट इज एच टू फोर और एच थ्री ये आकर अटैक करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यहां से सी फोर निकल जाता है कार्बोनेट के स्थान पर सी फोर बन जाता है सल्फेट बन जाते हैं और सल्फेट रंग में पीले होते हैं साथियों इस कारण से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है ये वॉलकनों के कारण नहीं इंडिया में ऑलरेडी इस कारण से आगरा के आसपास ही फैक्ट्रियां बंद करा दी गई थी क्योंकि आगरा के आसपास और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में उपस्थित जो फैक्ट्री यानी इंडस्ट्रीज थी उनके द्वारा निकलने वाला एन टू और एसओ टू जो एसओ टू अं, अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा था धुआं बनके ऊपर जा रहा था वो आसमान में उपस्थित बादलों के साथ मिलकर के एच टू एसओ फोर में बदल रहा था और वो एच टू एसओ फोर पानी के साथ मिलकर के डाइल्यूट अवस्था में जमीन पर टपक रहा था और ताजमहल पर हुई बारिश ने उसका रंग पीला कर दिया मेरे प्यारे साथियों एक बात और बता देता हूं जब ये अम्ल जमीन पर गिरता है तो जमीन को बंजर कर देता है इसी कारण से उस आसपास के क्षेत्र की दिल्ली के आसपास और आगरा की तरफ जब आप चल रहे हैं वहां की जमीन बंजर हो चुकी है बंजर से मतलब हुआ कि वहां पर मेरे प्यारे साथियों जमीन में वो पैदावार नहीं है इसीलिए कहते हैं थर्मल पावर प्लांट जहां होते हैं उनसे निकलती है सामान्यतया NO2 और SO2 और उसके कारण मेरे प्यारे साथियों वहां अम्ल वर्षा होती है और अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है वहां पर पानी जो है वो मतलब अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी जो है वो बंजर हो जाती है है अल्टीमेट कहानी उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लियर चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं तो आपके ये समझ में आ जानी चाहिए ग्लोबल कूलिंग अच्छा है या बुरा यदि ये, ये सवाल आपसे पूछा जाए टेम्प्रेरी रूप से तो अच्छा है लेकिन अगर काला अंधेरा आ जाए जिसमें सूर्य का प्रकाश ही ना आ पाए तो हम सब लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे क्योंकि हमारे पौधों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है ताकि वो हमें ऑक्सीजन बना के दे सके आगे बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये सवाल मैं कई बार करा चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं कराऊंगा कि कौन कौन सी गैस निकलती है क्या कुछ होता है मैं कई बार करा चुका हूं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ ये सवाल अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल जबरदस्त सवाल क्या है भाई साहब और इसमें हाँ मैं एक चीज और बता दू इसमें सवाल में जो भी बातें लिखी होंगी वो सवाल की बातें इसी की होंगी मेरी कोई बात नहीं होगी अगर मैं किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता हूं तो भी वो मेरा नहीं होगा अगर मैं आपको हाँ भाई कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर साइंस पढ़ा दीजिए केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए भैया हम केमिस्ट्री और साइंस त्याग चुके हैं हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि हम साइंस नहीं पढ़ाएं हमने भैया बहुत पढ़ा लिया यार साइंस पढ़ाते हुए ग्यारह साल हो गए हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ठीक है ना पहले आई आई टी जेई लेवल पर हमने साइंस पढ़ाया हुआ है खूब अच्छे से केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोटा में खूब पढ़ाया हुआ है नेट वाले बच्चों को केमिस्ट्री खूब पढ़ाया हुआ है अब फाइनली हो गई केमिस्ट्री से बोरियत केमिस्ट्री छोड़ करके और साइंस छोड़ करके कुछ भी पढ़ो अब साइंस नहीं पढ़ा पाएंगे हम ठीक है ना ये चीज छोड़ के जीके जितना पढ़ना है पढ़ो बाकी चीजें यहां देखो तो मेरे प्यारे साथियों आज जो मैं टाइटल पढ़ाने जा रहा हूं इस टाइटल को ध्यान से सुनना और इस टाइटल में जो भी बातें हैं वो सारी इसी की है मेरी कुछ भी नहीं है इधर सुनिए साथियों यहां पर लिखा है वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी हुआ मैं कह रहा हूं ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इसलिए नहीं कि इसलिए कि इसमें बहुत सारी बातें हैं यूपीएससी सवाल पूछ चुका है तो, 2016 हजार सोलह प्रिलिम्स में कि वो वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है मेरे प्यारे साथियों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संगठन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे प्यारे साथियों उसने भारत के अंदर भारत की जो प्रेस है प्रेस का मतलब वो प्रेस वो नहीं जर्नलिज्म जो है इसको 180 देशों में मेरे प्यारे साथियों इसे 180 देशों में एक सौ स्थान दिया है आप पूछेंगे ओहो बहुत नंबर आ गया गुरुजी ये तो 180 में से 142 तो बहुत होता है अरे महाराज 180 में से 142 का मतलब है आप नीचे से टॉप किए हैं आपके लिए उन्होंने बकायदा नाम यूज किया है कि आप बैड स्थिति में हैं आप बहुत बेकार स्थिति में हैं किसके मामले में जर्नलिज्म के मामले में थोड़ा दिल थाम के बैठिए क्योंकि बहुत सारी बातें की हैं इस रिपोर्ट के अंदर सारी बातें हम आपको बताएंगे तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है तो मेरे प्यारे साथियों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संगठन है फ्रांस का उसने मेरे प्यारे साथियों ये रैंक निकाली है इसने नंबर वन पर किसको रखा है ये सारी बातें आपके सामने यहां पर है सारे फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको बता दूं नंबर वन पर इसने रखा है नॉर्वे को इसके बाद रखा है फिनलैंड को इसके बाद रखा है स्वीडन को तो ये चीजें तो आपको याद रखनी है ठीक है साथियों ये टॉप तीन के अंदर रही हुई चीजें हैं। इसके साथ साथ भारत 2020 में भी 142वीं रैंक पर था आज भी 142वीं रैंक पर है यानी कि रैंक में हमारे यहां पर कोई कमी नहीं आई है कुछ तथ्यात्मक बातें क्योंकि मैं एक भी शब्द इसमें अपना नहीं बोलूंगा सारी बातें वो बोलूंगा जो रिपोर्ट में है इसलिए मैं हर तथ्य को यहीं से बोलने वाला हूं यहीं से क्यों बोलने वाला हूं क्योंकि यहां पर थोड़ी देर में पॉलिटिकल सटायर आने वाले हैं ध्यान से सुनते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों यहां पर इरिट्रिया इरिट्रिया कहां पर है वो चार देश जो कि अफ्रीका के अंदर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से पढ़ते हैं याद है वो अपन एक हॉर्न सा बना देते हैं याद हो तो इधर की तरफ है इथोपिया इधर है इरिट्रिया जिबूती सोमालिया याद है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर इरिट्रिया नामक जो देश है मेरे प्यारे साथियों वो एक सौ पायदान पर आया है कौन से स्थान पर आया है एक सौ स्थान पर आया है और इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों जो चीन है ये नीचे से बिल्कुल ही थर्ड रैंक पर आया है यानी एक सौ स्थान प्राप्त किया है 180 में से उत्तर कोरिया एक नवासी स्थान नवासी कहते हैं वन सेवनटी नाइन स्थान प्राप्त किया है उन्यासी सॉरी और तुर्कमेनिस्तान मेन स्थान एक सौ स्थान प्राप्त किया है यह व्हाट्सअप पे जब से नॉलेज मिलना शुरू हुआ है ना भाई ना हिंदी के बचे ना इंग्लिश के बताइए इसको हम नवासी बोल रहे हैं क्या बुढ़ापा आ गया है उत्तर कोरिया को एक नंबर स्थान मिला है वन नंबर स्थान मिला है ठीक है अच्छा तो अब आपके सामने सारी बातें विस्तार से बताने का समय आ चुका है विस्तार से आने के बाद में सबसे पहली बात समझिएगा और वो ये है भारत दो, दो हजार बीस में भी एक सौ नंबर पर था और इस बार भी एक सौ बयालीसवें नंबर पर है जनाब बात ऐसी है कि ये जो है ना ये वेबसाइट पर लिखी हुई बातें हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के और इसमें जो बात लिखी गई है जरा उन्हें पढ़ लेना और मैं ये बता दूं कि ये वो रिपोर्ट नहीं है जो आपके किसी विरोधी देश ने निकाली हो आपके परम मित्र परम सखा फ्रांस के द्वारा निकाली गई रिपोर्ट है तो आप हर किसी को देशद्रोही ना कह दें इसलिए मैं पहले बता दूं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक जो संगठन है ये फ्रांस का संगठन है और इसने क्या कहा है जरा सुन लीजिएगा इसने कहा है मोदी टाइटनड हिज ग्रिप ऑन मीडिया मोदी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है अब इसके अलावा इन्होंने क्या क्या कहा है जरा वो सुनते चलिएगा इसमें कहा है मैं थोड़ा जूम कर देता हूं नहीं तो फिर क्या होगा लगेगा आपको कि सर अपनी बातें बोल रहे हैं जरा इन्हें देखते जाइए और पढ़ते जाइए साथियों साथियों अरे भैया कहां गए हाँ, इधर देखिए इसमें लिखा हुआ है हमारे देश में ये पूरी की पूरी बातें साहब इसमें बहुत डिटेल से लिखी है हालांकि सुन के तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सुनते जाइएगा दो में चार जर्नलिस्ट की मौत हो गई जो कि काम पर थे 2020 में इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट पत्रकारों के लिए हमारा देश यानी इंडिया सबसे डेंजरस कंट्री में से एक है जो यहां पर इन्होंने मेंशन किया है इन्होंने कहा दे आर एक्सपोज टू एवरी काइंड ऑफ अटैक इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस अगेंस्ट रिपोर्टर यानी कि यहां पर रिपोर्टर्स के खिलाफ कुछ भी हो सकता है और देखिएगा आप में से जो बहुत सारे लोग मुझे थोड़ी देर में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देंगे लिखी, एक भी मेरी नहीं है मैं तो केवल आपको पढ़ा रहा हूं और ये सब चीजें इंडिया पहले एप्रिशिएट करता रहा है उनको सुनते जाइएगा हाँ जी एम्बुश भाई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रिप्रेजल इंस्टीगेट बाई क्रिमिनल ग्रुप्स एवर सिंस दी जनरल इलेक्शन इन दिंग ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन वन ओवर वेलिंगली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी प्रेशर है ध्यान से सुन लीजिएगा पॉलिटिकल पार्टी का नाम मैंशन है इसमें इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी जो है वो मीडिया पर प्रेशर देती है हिंदू नेशनलिज्म गवर्नमेंट लाइन इंडियन हु एस्पाउज हिंदुत्व, हिंदुत्व आइडियोलॉजी दैट गेव राइज टू रेडिकल राइट विंग हिंदू अब ध्यान से सुनिएगा मैं आपको बता दूं सारी रिपोर्ट के बिंदु इंडियन एक्सप्रेस ने भी एज इट इज कवर किए हैं कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों 2016 में भारत की रैंकिंग 133वीं थी आज हम 142वें स्थान पर हैं हमारे पड़ोसियों में सबसे अच्छा स्थान नेपाल का है एक स्थान पर है। इसमें जो कहा गया, जरा उन्हें अब मैं हिंदी में समझा देता हूं वहां पर टिपिकल अंग्रेजी लिखी हुई है। हिंदी में जरा समझ लेते हैं इधर देखिएगा रिपोर्टर्स के लिए कहा गया है कि यदि मोदी जी की बात की जाए तो उन्होंने मीडिया को पूरी तरह पकड़ के रखा हुआ है ऐसा मैं नहीं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कह रहे हैं इनका कहना है कि यहां पर जो रिपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ हिंसा होना या उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना एक आम बात है चार पत्रकारों की लास्ट टाइम मौत भी हो चुकी है यहां पर यह भी कहा गया है कि बीजेपी सपोर्टर्स की कहानी यह है कि यदि कोई भी पत्रकार बीजेपी के खिलाफ बोलने का प्रयास करता है तो उसे इधर सुन लीजिएगा साथियों उसे एंटी स्टेट और एंटी नेशनल कह दिया जाता है ये पूरे पॉइंट वहीं से उठाए हुए हैं मेरा कुछ नहीं है। है। उसे देश द्रोही कह दिया जाता है। यदि कोई भी पत्रकार कुछ भी बोलने का प्रयास देश के विरोध में नहीं बीजेपी के विरोध में भी करता है तो उसे बदल दिया जाता है इसके साथ साथ और कौन सी बात कही गई है इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्र विरोधी तो बात सही है इसके अंदर अब यहां पर दूसरी जो बात है वो क्या है शायद इस बात से आप भी इत्तेफाक रखें हिंदुत्व के खिलाफ या हिंदुत्व को किसी भी प्रकार से परेशानी हो ऐसे पत्रकारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत भरे शब्दों की बाढ़ आ जाती है अगेन ये मैं नहीं कह रहा ये यही कहा हुआ है मैंने तो हिंदी कर दी है इस बात की अगर किसी ने कोई भी लाइन बोली तो सोशल मीडिया पर उस पत्रकार के खिलाफ एकदम मतलब बौछार हो जाती है कि क्या कुछ यहां हो रहा है सार्वजनिक बहस के मंच पर जब कोई पत्रकार कोई ऐसी बात करे जो बीजेपी के समर्थन में नहीं है तो उसे राष्ट्र विरोधी डिक्लेयर कर दिया जाता है उसे देशद्रोही देश, देश छोड़कर चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ टाइप के नारे लगा दिए जाते हैं यहां पर मैंने आपको दोनों ही बातों की हिंदी और इंग्लिश पूरे उसी में से उठा करके दी है इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है भारत को इन्होंने बैड कैटेगरी में रखा है बिल्कुल अगर बॉटम से हम बात करें तो बहुत नजदीक ही है हम बॉटम के मेरे प्यारे साथियों जहां पर कहा जाता है मीडिया को जिसको कहा जाता है कि ये लोगों के लिए वो न्यूज लाके देगा आज हमारा मीडिया उठा करके आप उठा के देख लीजिएगा कहीं पर भी ये कमेंट नहीं है कि कोरोना क्यों फैल रहा है इससे ज्यादा और क्या समझ में आपको दूं आपको आप अपना सोशल मीडिया उठा के देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोरोना के नंबर तो बताएंगे इतने मर गए ये लॉकडाउन हुआ ये सब हुआ क्यों फैल रहा है इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा कहां पर रैली हुई कहां पर कौन सा कार्य हुआ कौन क्रिकेट मैच हुआ कौन सा धार्मिक आयोजन हुआ कोई कमेंट नहीं करेगा ये है रिपोर्टर्स का बंधा होना और इसी के लिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जर्नलिज्म के लिए निकाली जाती है चलिए फिलहाल के लिए तो यही बात ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं हम मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ साथियों हाल ही में 50 मिलियन डॉलर के अंदर फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया है क्लियर ट्रिप को यह एक डील है आप लोगों को इंफॉर्मेटिव रूप से याद रख लेनी चाहिए सचिन बिंसल और बंसल की कंपनी हुआ करती है फ्लिपकार्ट जिसका इक्यासी प्रतिशत मालिक है वॉलमार्ट जो कि ब्रिटिश कंपनी है फ्लिपकार्ट ने हाल ही में क्लियर ट्रिप क्लियर ट्रिप नामक एक वेबसाइट है अगर आपने कभी ऑनलाइन बुकिंग की हो तो आपको क्लियर ट्रिप नाम से एक वेबसाइट मिलती है उसका अधिग्रहण कर लिया है पचास मिलियन डॉलर में फ्लिपकार्ट बेंगलुरु स्थित कंपनी है 2006 में इसकी स्थापना हुई थी 15 अप्रैल को इन्होंने अधिग्रहण की बात कर दी 100 परसेंट जो है क्लियर ट्रिप जो है उसको खरीद लिया जाएगा किसके द्वारा फ्लिपकार्ट के द्वारा खरीद लिया जाएगा बात की जाए क्लियर ट्रिप की तो मेरे प्यारे साथियों क्लियर ट्रिप हर्ष भट्ट स्टुअर्ट क्राइंटन और म्यू मैथ्यू स्पेसी के द्वारा स्थापित की गई भारत की सबसे पुरानी होटल बुकिंग करने वाली कंपनियों में से एक है ये ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पर जाके जैसे आप मेक माई ट्रिप सुनते हैं ना ऐसे ही साथियों क्लिप क्लियर ट्रिप नाम से एक वेबसाइट है जिसका अधिग्रहण कर लिया गया है बात करूं फ्लिपकार्ट की तो फ्लिपकार्ट के अंदर वर्तमान में बिन्नी बंसल जो है वो ग्रुप के सीईओ है बहुत सारे ब्रांड्स के नाम आपने सुने होंगे इनके प्रमुख ब्रांड में से मेरे प्यारे साथियों ई कार्ट का नाम आता है बात करें फ्लिपकार्ट की तो सचिन बंसल और बिन्नी बिंसल जो है दोनों आई दिल्ली से पास आउट विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है

किस संस्थान ने हाँ भाई ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जरा इसे समझिएगा यह भी रिपोर्टिंग्स के ऊपर सवाल है जरा इसे देखिए मेरे प्यारे साथियों इधर देखना किस संस्थान ने 2021 में नॉर्टन साइबर सेफ्टी एक तो मैं पाकिस्तान के ऊपर न्यूज लेके आने वाला हूं हाल ही में क्या हुआ था मैंने आपको बताया था ना पाकिस्तान के अंदर एक नेता है तहरीके लवायक के नेता है रिजवी रिजवी करके भाई साहब पाकिस्तान सरकार उससे झुक गई है जिसके पास एक भी सीट नहीं है सुनाऊंगा वो इशू लेके आऊंगा आज शाम को लेके आता हूँ फिर आपको बताऊंगा उसके अंदर गजब ही हुआ है पाकिस्तान सरकार सरेंडर कर दी उस आदमी को रिहा कर दी है क्योंकि बहुत तगड़ी स्टोरी है शाम को सुनाऊंगा मैं न्यूज तो आ चुकी है मैं शाम को बताऊंगा साढ़े सात बजे इसी चैनल पे 2021 हजार नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई नॉर्टन आप अगर लैपटॉप यूज करते हो तो कई बार इनबिल्ट उसमें नॉर्टन सिक्योरिटी नामक एक जगह आती है आपने देखा होगा एक एंटीवायरस आता है नॉर्टन का है ना आप में से कई लोग मैकेफी का यूज करते होंगे कई लोग नॉर्टन सिक्योरिटी यूज करते होंगे उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई और उसके द्वारा क्या रिपोर्ट निकाली गई उसने कहा कि भारत के फिफ्टी लोग ऐसे हैं जो कि एक साल में साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं अब वो कैसे हुए बस उनको नहीं पता है यानी या तो उनकी आइडेंटिटी किसी ने चोरी कर ली या फर्जी मेल पासवर्ड निकाल लिए या कुछ ना कुछ उनके साथ जरूर हुआ है 59 भारत के यूजर ऐसे हैं ये नॉर्डर्न सिक्योरिटी का कहना है आप सोच के अंदाजा लगाइए हमें पता ही नहीं है इसके बारे में ठीक है ना इसने यहां तक कहा है कि इंडियन अडल्ट फेल प्रे टू साइबर क्राइम इन ट्वेल्व बारह महीने के अंदर हमारे ऊपर साइबर क्राइम हो चुका है हमें ही नहीं पता है मतलब सोचिए आप कैसे युग में जी रहे हैं हम इसका कहना है कि दस में से सात ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा साइबर क्राइम नहीं होगा हमारे साथ लेकिन उनके साथ हो चुका है भाई साहब इनके अकॉर्डिंग कुछ बातें जो निकाली गई हैं वो जबरदस्त हैं और वो क्या है इनके अंदर कहने का यह है कि यहां पर हमने खूब सारे साइबर क्राइम को रोकने के प्रयास कर लिए लेकिन 330 मिलियन लोग ऐसे हैं भारत में जो कि साइबर क्राइम यानी 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं आप यहां पर थोड़ा और देखिएगा साथियों यहां पर यह कहा गया है कि 27 मिलियन लोगों को लगता है कि उनकी किसी ने पहचान चोरी कर ली है इसके साथ साथ यहां पर एक मतलब दो में से हर यानी दो में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका साइबर अपराध जिसके साथ हो चुका है बस उसको पता नहीं है अच्छा आप में से बहुतों को शायद ना पता हो साइबर अपराध आपको क्या लगता है बोले सर आपको तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें पता है आपको पता है आपके साथ साइबर क्राइम हुआ होगा क्या मेरे साथ बिल्कुल हुआ है और आपके सामने हुआ है होता ही है रोजाना होता है आपको पता है अपनी क्लास में पहले वो आया करते थे चिल्लर आजकल चिल्लरों को जरूरत नहीं लगती अपने यहां आने की वो चिल्लर अपना काम करके चले गए कुछ लोग हमने भी बिठा दिए कि यहां पर चिल्लरों को ना बिठाने दिया जाए तो चिल्लर आते थे यदि याद हो आपको वो चिल्लर आकर के यहां पर जो प्रवोक करने वाला काम करते थे ना वो प्रवोकिंग करना भी एक साइबर क्राइम है आपको अंटंट बोलना भद्दा बोलना गंदा बोलना आकर के, भाई निकलो, निकलो, जरूरी, जरूरी लिख तो भला बुरा, भला बुरा, भला बुरा लिख करके जा रहे हो क्योंकि तुम पेड़ थे पैसे दे करके चिल्लरों में काम कर रहे थे वो जो चिल्लर थे साथियों वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए हालांकि ऐसा नहीं है कि कामयाब होते हैं तभी साइबर क्राइम किया जाता है अदरवाइज कोई क्राइम करे भी ना वो क्राइम कामयाब करने के लिए किया जाता है और वो हुए भी सक्सेसफुल भी हुए लोगों को बरगलाने में लोगों का दिमाग भेरने में वो कर, कम वो होता भी है ये साइबर क्राइम है साथियों सबके साथ होता है आप लोगों को भी जब कोई अभद्र भाषा से कोई मैसेज कर रहा होता है आप लोगों को कोई बुलिंग का कार्य इसको बुलिंग कहते हैं ऑनलाइन बुलिंग कहते हैं इस टर्म को जब किसी को ऑनलाइन प्रताड़ित किया जाए ये साइबर बुलिंग के अंदर आता है होने को इसके लिए भी कानून है लेकिन वही बात है कि कौन उसमें समय खर्च करे हम जैसों के पास वैसे ही टाइम नहीं होता तो कोई कहां खेच के इस चीज को लेकर के जाए ठीक है तो ये है मेरे प्यारे साथियों तो यहां पर सिक्सटी जो है कोविड नाइनटीन के कारण साइबर अपराधों के लिए वो हो गए हैं प्रोन हो गए है. क्यों क्योंकि -19 के केस में बहुत सारी चीजें कि सर आजकल उसकी चर्चा नहीं आ रही है जरा कमेंट बॉक्स में, वो कौन सा था जिसको आपको पूरे अपने में डालना जरूरी था लेकिन सरकार आजकल उसके बारे में कुछ नहीं कह रही है मतलब पहले डिसीजन लिया बाद में बंद कर दिया कुछ याद है अगर याद हो तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों एक आपने मोबाइल एप्लीकेशन जब साइबर उसमें आ, कोरोना हुआ था तब डाउनलोड किया होगा अगर कुछ याद आ जाए तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि वो एप्लीकेशन जो था उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि आपको ब्लूटूथ ऑन रखना होता था जिसके चक्कर में बहुत सारा डेटा लोगों का इधर से उधर गायब हो गया और उसके चक्कर में हुआ ये अल्टीमेटली सरकार को खुद को रोकना पड़ा कि इसका हा आरोग्य सेतु कि यार इसको ओपन मत करो इसकी वजह से लोगों के साथ, साथ साइबर क्राइम हो रहा है तो ये सब चीजें हैं यार मतलब बहुत ज्यादा कॉमन चीजें भारत को बाद में पता चलता है एनी anyway. अब सवाल हम करते हैं कि भारत में कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की गई हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए तो इसे याद कर लीजिएगा वर्ष 2020 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल डेवलप किया गया इसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया के तहत दो में एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया जिसमें ट्रस्ट नथिंग वेरीफाई एवरीथिंग के नाम से एक टैगलाइन दी गई जिसका प्रयास यह था कि जितने भी साइबर क्राइम हो वो अपने द्वारा यहां पर कि आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो आप इस वेबसाइट पर जाइए कंप्लेंट दायर कर सकते हैं नंबर दूसरा साथियों भारत में स्वच्छता साइबर स्वच्छता साइबर केंद्रों की स्थापना की स्थापना गई जो कि एक प्रकार से वो प्रक्रिया है जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर के अपने द्वारा शिकायत दर्ज कराए कि इस वाले चैनल से गलतियां हो रही हैं लेकिन फिर वही बात कौन करे तो ये दूसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों भारत के अंदर नेशनल सेंटर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर की स्थापना की गई ये सारे वो चीजें हैं जो कि आपको साइबर क्राइम से बचाती हैं तो मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने सिलसिलेवार तरीके से रख दी हैं आइए चाहती हूं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अगर हो दिमाग तो पैसा कमा लो सरकार पैसा बांट रही है क्या आइए सुनाता हूं साथियों फरवरी 2020 में भारत सरकार ने बजट के दौरान एक घोषणा की थी और वो घोषणा ये थी कि स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप्स मतलब आपके पास कोई आइडिया है आइडिया है और उस आइडिया से आप पैसा कमाना चाहते हैं जैसे अन अकेडमी एक आइडिया ही तो है जिसने दुनिया भर के मास्टरों को उठा करके ऑनलाइन पटक दिया कि बेटा पढ़ाओ बढ़िया से है कि नहीं तो अब पढ़ाओ बढ़िया से और पैसा जो है हमको कमा के दो और खुद कमाओ तो ये वाला जो आइडिया है यही तो स्टार्टअप

तो ये जो आइडिया है इसके लिए पैसा खर्च होता है पैसा शुरुआत में जो जरूरत होती है पैसे की उसे हम सीड फंड कहते हैं क्या कहते हैं सीड फंड अब आप में से भैया कई तो होंगे रही से एकदम मतलब बोले सर पैसे की क्या जरूरत है अपने पास तो आइडिया चाहिए आप गुरु जी आइडिया दो तो इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन कई ऐसे भी तो होंगे आप में से जिनको फंड की जरूरत होती होगी यार धन मिल जाए तो मैं दिमाग भी लगा पाऊं और विशेष रूप से टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में जहां पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करते हैं कि यार पैसा क्यों खर्च कर रहा है फालतू की चीजों में डॉक्टर बन इंजिन, इंजीनियर बन जा डॉक्टर बन जा उन उन शहरों के अंदर अक्सर बच्चों के पास में इन्वेस्टमेंट के अवसर नहीं होते वहां पर मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया है पीयूष गोयल ने जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं इन्होंने एक 945 करोड़ के आसपास का एक फंड जारी किया है जिसे स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट के दौरान लॉन्च किया गया था इसे स्टार्टअप सपोर्ट के लिए इसका नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम क्या नाम रखा गया है इसका स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम एक अप्रैल को लॉन्च की गई थी लेकिन हाल ही में इसका फंड डिक्लेयर किया गया है कि हम इसमें पैसा बांटने वाले कितना बांटने वाले नौ करोड़ रुपए सरकार बांटने वाली है तो जो पैसा शुरुआत में चाहिए ना उसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों सीड फंड जो आपको अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए पांच सात कंप्यूटर भी खरीदने पड़ेंगे दो चार लोगों को नौकरी पे भी रखना पड़ेगा तो और सरकार ने टारगेट किया है कि ये जो धन है ये लगभग छत्तीस से लेकर के छत्तीस सौ स्टार्टअप के बीच बांटा जाएगा आप पूछेंगे इनसे क्या होगा अरे भाई छत्तीस नए आइडियाज को सरकार पैसा देगी कितना पैसा देगी मिनिमम बीस लाख तो वो देगी ही देगी यानी कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको बीस लाख से लेकर पचास लाख तक सरकार धन देगी आइडिया होना चाहिए आपके पास तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत यह जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है यदि आपके पास भी कोई आइडिया है तो इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करके पैसा कमा लीजिएगा ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं भाई तो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है इसके लिए आप लोग सीधा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आपके पास अगर कोई आइडिया हुआ उस आइडिया को सरकार चाहेगी तो फंड कर देगी आप सीधा सीड फंड स्कीम टाइप करिएगा गूगल पर अप्लाई ना का ऑप्शन आएगा ट्राई कर लीजिएगा क्या हो सरकार फंड देने वाली है कोई पैसा वैसा वापस नहीं लेने वाली है कमाल हो आइए साथियों आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ तो ये समझ में आ गया होगा तो 2021 हजार एक अप्रैल को जारी किया गया था पैसा जारी कर दिया गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ किस संस्थान ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम ये एक अल्टीमेट यूज है यार अल्टीमेट क्यों है क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 जी सतीश रेड्डी नई दिल्ली मुख्यालय हो गया खत्म ये तो हो गई तथ्यात्मक जानकारी इसमें हाल ही में मेरे प्यारे साथियों हायर एल्टीट्यूड पर अगर आपको जाना हो और वहां पर जाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता हो आपको मालूम है अपने जो भारतीय सेना के जवान हैं जो सियाची जैसी जगह पर हार्ड स्थान पर रहते हैं वहां ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली बीमारी हाइपोक्सिमिया कहलाती है, है ना हाइपो उक्षीमिया, हाइपो उक्षीमिया। तो मेरे प्यारे साथियों उस हाइपोक् की स्थिति में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो होता क्या है कि अपने जो सेना के जवान है वो अपने साथ में एक सिलेंडर भी लेके चलते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कम होने लगती है तो वो उसे लगा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित एक लैबोरेटरी ने एक कार्य विकसित किया है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इसको किसने किया है मेरे प्यारे साथियों डीआरडीओ ने विकसित किया है और ये कहा जा रहा है इतनी सी मशीन है साथियों ये ये जो है ना इतनी छोटी सी मशीन है ऑक्सीजन का रेगुलेटर है और साथ में एक छोटा सा मतलब थर्मल वो लगा हुआ है फ्लास्क जैसा लगा हुआ है यह कैरी करने लायक भी है तो आप लोगों ने आजकल कोविड पेशेंट्स को देखा होगा कि कोविड पेशेंट्स जो हैं उन लोगों को कोरोना uh, के लिए मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन की जरूरत जब पड़ रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी हो चुकी है भारत में इस समय ऑक्सीजन की किल्लत है अगर आपने देखा हो आप सोच के देखिए हम कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं ऑक्सीजन के लिए हमें मरना पड़ रहा है आप समझ रहे हैं ये आ गया है बेटा ये घोर कलियुग है ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है आप सोच के देखिए सुरक्षित रहिए तो इसमें कहा जा रहा है कि डीआरडीओ ने जो ये मशीन विकसित की है ये अपने आप में एक यूनिक सिस्टम है कैसे है क्योंकि एक तो ये तो पोर्टेबल सिस्टम है आप अपने पीछे टांके और चल दिए सिलेंडर जो कि नाक के माध्यम से आपको ऑक्सीजन पहुंचाएगा हर साइज में अवेलेबल है जिसको चाहिए उसके पीछे एक मशीन लगा दो और वो साथ में अपने लेकर के चल देगा तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए भी ये यूज में आ सकता है ऐसा डेवलपमेंट किसने किया है डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल के द्वारा यह कौन सी लेबोरेटरी है डीआरडीओ की है बेंगलुरु में स्थित है डीआरडीओ के अधीन जो उनमें से ये एक है 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 ठीक बेटा तो सिचुएशन होती क्या है? जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे तो आज जो हो रहा है ना बेटा आप देख रहे होंगे कोरोना पेशेंट्स के साथ में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वही तो उनकी डेथ का कारण बन रही है उनकी ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रही है कम क्यों हो रही है इसके पीछे का कारण समझिए वो क्या रहा है कोरोना की जो सबसे बुरी हालत है ना वो करता क्या है कि आपके जो लंग्स है ना उनको इन्फेक्ट कर देता है इन्फेक्ट करने से मतलब ये हुआ कि लंग्स में इस प्रकार का जाला बना लेता है कि वो सिकुड़ नहीं पाते जब तक लंग्स सिकुड़ नहीं पाएंगे तब तक वो सांस खेच नहीं पाएंगे और खेचने के लिए उनका सिकुड़ना जरूरी है क्योंकि वहां कोरोना बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोरोना का पेशेंट सांस नहीं ले पाता क्योंकि लंग्स एक्टिवेट नहीं हो रहे तो उसे फिजिकली सांस दी जाती है क्योंकि शरीर को सांस चाहिए क्यों क्योंकि ऑक्सीजन ही है जिससे हम जिंदा रहेंगे तो लंग्स जब कार्य नहीं कर रहे तो ऑक्सीजन क्या काम करेगी ऑक्सीजन सप्लीमेंट है जो कि लंग्स की एब्सेंस में भी मशीन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है आगे बात समझ में ताकि वो और ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर सके लंग्स इन्फेक्ट होने से बच सके मेरे प्यारे साथियों फिर से गुजारिश है ये इतनी विकट समस्या है आप इसे मजाक में मत लीजिएगा लोग जैसे पानी में से मछली निकाल देते हैं और मछली तड़पती है ना साथियों ऐसे तड़प तड़प के जान दे रहे हैं प्लीज इसकी गंभीरता को समझिए यह बहुत खतरनाक बीमारी है इसको लाइटली मत लो वैक्सीनेशन आए सब वैक्सीन लगवा लेना वैक्सीन ही इसका एक इलाज होगा जब फाइनली आ जाएगी उससे पहले मास्क इलाज है अपने आप को बचा लो पूरी जिंदगी देखनी है तो इस एक आध साल को और खराब कर दो अगर भविष्य देखना चाहते हो तो नहीं तो भैया घूमो खात खेत में क्या दिक्कत आ रही है प्लीज अपना ध्यान रखें ये बहुत गंदी बीमारी है ठीक है ना तो इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन की कमी होना क्योंकि लंग्स में इंफेक्शन होता है और उस इंफेक्शन के कारण से सारी मुसीबतें आती हैं वो मैंने आपको बताया आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है बहुत अर्जेंट भी है तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए दूरी पर बैठिए मास्क कभी मत हटाइए साथ में हाथ धोइए सारी चीजें करिए यह बहुत गंभीर बीमारी है ठीक है साथियों तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है यहां पर सरकारी बीमा कंपनी एल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है कॉर्पोरेशन जो है उसने ई e पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो अब पेटीएम से भी आप कर पाएंगे तो पेटीएम के लिए मेरे प्यारे साथियों हाल ही में मतलब LIC जो है वो पेटीएम के माध्यम से भी पॉलिसी बेच पाएगा ये हो गया आपके सामने पेमेंट कर पाएगा बात की जाए सी की तो भाई साहब एल के इस समय एम आर कुमार जो है वो चेयरमैन है मुख्यालय मुंबई में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है बिकने वाली है जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी भी बोली लगाने वाली है भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा जैसे चाइना का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आंट ग्रुप का आया था ना ऐसे ही इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ एल का आएगा जिस दिन ये बिकेगी बिकने वाली मैं नहीं कह रहा सरकार ने खुदने का बजट में हाँ भाई, इसके अलावा, एक सितंबर में तो विजय शेखर शर्मा ने 2010 में इसकी स्थापना की थी इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों विजय शेखर शर्मा के बाद में नोएडा में स्थित है वन प्लस कम्युनिकेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों पर सवाल आपसे पूछा गया डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ मिलकर के अपना पहला क्रेडिट कार्ड कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम पेटीएम फर्स्ट है किसने किया क्या कुछ था तो इसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है आईसीआईसीआई बैंक ने किया था ठीक है ना चलिए साथियों आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है इधर देखिए मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म, फिल्म महोत्सव में मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म पुरस्कार जीता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों पुगलिया पुगलिया नामक फिल्म है जो मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या की है यहां पर मेरे प्यारे साथियों पुरस्कार जीती है मराठी फिल्म है मास्को फिल्म फेस्टिवल के अंदर इसने पुरस्कार जीता है विनोद सैम पीटर के द्वारा यह बनाई गई फिल्म है मराठी फिल्म है ठीक है ना हाँ जी तो इसके द्वारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर यह अवार्ड जीती है यह मैंने आप लोगों को बता दिया उम्मीद है सारी बातों को समझ में आ गया होगा एक चीज जरूर समझ लीजिएगा आज स्पेशल क्लास सुबह दस बजे अक्टूबर के फर्स्ट पंद्रह दिन का करंट अफेयर रिविजन कराऊंगा और इवनिंग में आज हम वायस राय अठारह से लेकर के 1947 के बीच में जो भी वायस राय आए भारतीय मॉडर्न इतिहास में उनके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ली जाएगी जिसमें अंकित टेन रेफरल कोड क्लास लेनी है दोनों चीजें याद कर लेना एक चीज और मैं आपको बता दू मेरे प्यारे साथियों पर आज का दिन बहुत खास है यदि आप एस कैटेगरी में स्टेटिक्स जगह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक साल के साथ में आपको दो महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा

रेड बुल मैक्स वॉट्स एलियम रोमेंगर जो है इन्होंने भाई साहब वो जीत ली है रेड बुल होंडा के द्वारा आई की गई थी जो ग्रांड प्रिक्स थी वो जीत ली है प्रमुख दिनों में अगर हम बात करें तो 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा कॉम्बेट के बारे में तो क्या ही बताना आप सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हर रविवार को एक टेस्ट होता है पेड कोर्सेज लेने कैसे हैं इसके लिए आप मोबाइल में और हाँ पेड कोर्सेज जितने भी हैं जितने भी एडुकेटर्स के हैं सारे आपको एक ही जगह पर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं करना क्या होगा आप अपने हाथ में मेरे प्यारे साथियों मोबाइल डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर के नाम से उपलब्ध है डाउनलोड करने के बाद में गूगल प्ले स्टोर से वहां पर गोल सेलेक्ट करिएगा एस एग्जाम एस एग्जाम में जाकर के फीस सेलेक्ट करिएगा एक साल के लिए फीस है पैंसठ सौ रुपए पैंसठ सौ रुपए फीस में अंकित टैन लगाने पर अट्ठावन सौ पचास की पड़ती है यदि आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये एडिशनली दो महीने का सब्सक्रिप्शन आपको यहां उपलब्ध कराती है दो साल की फीस अठे